आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है बड़ा रुचिकर भी है, दुरूह भी है और बहुत सारे इसके आयाम भी हैं। रुचिकर इसलिए है कि जिस तरह की मीडिया में डिबेट्स देख करके और पार्लियामेंट की डिबेट्स आप देखते हैं और यूएनओ की डिबेट्स देखते हैं और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जो डिबेट देखने में आ रही हैं, उन सबको देखते हुए लगता है कि हमारे अपने स्रोत क्या रहे होंगे, हमारी अपनी धाराएं क्या रही होंगी चर्चा करने की, परिचर्चा करने की, बातचीत करने की और बातचीत को एक दिशा देने की। दुरूह इसलिए है क्योंकि जिस तरह की भाषा में यहाँ पर बातचीत होती है शास्त्रार्थ में, वो सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है। और अभी जो कुछ पिछले एक दो दिनों में मेरे पढ़ने में देखने में आया, वो भाषा कहने को तो हिंदी है लेकिन उस हिंदी को समझना भी कोई इतना आसान नहीं है। संस्कृत की बात तो शायद और थोड़ी कठिन होगी, लेकिन इसीलिए तो हम लोग चर्चाएं करते हैं, इसीलिए तो इन सब बातों को समझने का प्रयास करते हैं कि विषय को जितना हम जानते हैं उससे अधिक जानने के लिए हम आप सब लोगों को आमंत्रित करते हैं और साथ में रिसोर्स पर्सन को आमंत्रित करते हैं कि वो हमें आगे की दिशा बताएं। और तीसरी बात जो आयाम की थी, आयामों से तात्पर्य ये है कि मुख्य रूप से अभी तो जो हमारी दृष्टि में आ रहे दो आयाम हैं शास्त्रार्थ के, वो तो या तो वो धार्मिक शास्त्रार्थ हैं, धार्मिक विषयों को लेकर के, कर्मकांड को लेकर के, वेद की प्रामाणिकता को लेकर के और वेदों से प्रमाण देते हुए ही, यानी कि जहाँ कहीं भी कोई भी बात आती है तो उसका संदर्भ, उसका रेफरेंस पॉइंट वेद है। तो उस दृष्टि से ये धार्मिक शास्त्रार्थ एक पक्ष, एक आयाम हमें दिखाई देता है। दूसरे जो पक्ष हमें दिखाई देते हैं वो हैं दार्शनिक आयाम शास्त्रार्थ के, और वो भी हालांकि उनका भी रेफरेंस पॉइंट अधिकांशतः जो है वो वेद ही है, लेकिन जब आप जैन और बौद्धों के साथ बात करते हैं तो वो रेफरेंस पॉइंट वेद वहाँ नहीं रहता, जैसा कि अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद आज के जो हमारे दो मुख्य वक्ता हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वो इस विषय पे अपने विचार हमारे साथ साझा करें और हमें दिशा निर्देश दें। प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी और प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी कुरुक्षेत्र से अत्यंत आदरणीय विद्वान हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का मैं स्वागत करते हुए विषय को और जल्दी से थोड़ा सा आप लोगों के साथ साझा कर लूं, और वो भी इसीलिए कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि कितना हम जानते हैं और उससे अधिक क्या जानने की अपेक्षा हम लोगों की है। सामान्य रूप से संवाद से विवाद की ओर ये सारा का सारा शास्त्रार्थ हमें जाता हुआ दिखाई देता है, और संवाद के कई रूप हमें वेद में दिखाई देते हैं। निश्चित रूप से यम यमी का संवाद, सर्मापणि का संवाद आप सभी जानते हैं, उसमें हमें नहीं जाने की आवश्यकता है। और इस संवाद से विवाद के बीच में कहीं पर शास्त्रार्थ की स्थिति खड़ी है और बड़ी रुचिकर भी है, क्योंकि कुछ एक जो प्रसंग मैंने सुने वो हो सकता है आप लोगों को भी बीच में विद्वान वक्ताओं के माध्यम से सुनने को मिलेंगे, बहुत रुचिकर हैं। और किस तरह के, किस स्तर की वो बातचीत रही है, शास्त्रार्थ रहे हैं, वो सब सुनने को मिलेगा। लेकिन मुख्य रूप से आप तीन बातें इस विषय में हम ध्यान में रखें जब शास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं। तो एक तो है वात कथा, जहाँ पर सत्य जानने के लिए न्याय का ये टर्मिनोलॉजी है आप सभी जानते हैं, और जो संस्कृत से नहीं है उनके लिए जानकारी के लिए भी, कि जब आप सत्य को जानने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए एक स्वस्थ परिचर्चा करते हैं, सामान्य रूप से गुरु शिष्य के बीच में ही ये घटती है, तो वो वात कथा के नाम से कही जाती है। ये सामान्य भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद दूसरा स्तर आता है जल्प कथा, जहाँ दो विरुद्ध व्याख्याओं को चुनौती दी जाती है। आपका एक पक्ष होता है, दूसरे का दूसरा पक्ष होता है, जैसे जैनों का पक्ष है और
वेद विदों का अपना पक्ष है, तो किसी एक विषय को लेकर के जो उन दोनों के अपनी अपनी चुनौतियां हैं, अपने अपना दृष्टिकोण है और वो एक दूसरे को चुनौती देते हैं। तीसरा आपका वितंडक है, जो आजकल हम देखने में जो बहुत आता है, जो कि कम्युनिस्ट और सेकुलरिस्ट और लिबरांडू टाइप लोग होते हैं, अपना मत तो स्थापित नहीं करेंगे लेकिन दूसरों का खंडन करते रहेंगे, और यही हमें आज देखने को बहुत अधिक मिलता है। और इसमें कई सारे पार्टीज, कई सारे मत इसमें मिले हुए होते हैं। तो ये तीन बातें अगर हम ध्यान में रखें तो शास्त्रार्थ के जितने भी आयाम, इसका इतिहास और इसके स्तर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सामान्य रूप से शास्त्रार्थ की जैसे ही हम बात करते हैं, दो नाम बड़े स्पष्ट उभर कर आते हैं। एक तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, जैसे कि जनक जी को छेड़ाखानी करने की आदत थी और लोगों को बुला करके उनको विषय दे देना और उन पे चर्चा करने के लिए कहना, और वो प्रसिद्ध ही है और उसकी चर्चा भी बीच में विद्वान वक्ता हमारे बीच में करेंगे। और दूसरा जो है मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ। और कमाल की बात है कि जिस भारत को हमेशा लांछित किया जाता है कि स्त्री विरोधी और स्त्री का अपमान और स्त्री को ये नहीं वो नहीं, क्या कुछ नहीं कहा जाता, दोनों ही महत्वपूर्ण शास्त्रार्थों का केंद्र बिंदु कौन है, स्त्री है। करने वाली कर्ता के रूप में, कर्त्री के रूप में वहां पर स्त्री ही उपस्थित है। तो कई बार मन होता है कि इस तरह की बातें जो हैं, हम उन इन पक्षों को हमें सामने लाना चाहिए और उनको चुनौती देना चाहिए जब वुमेन स्टडीज या वुमेन सेल जो हैं वो इस तरह के विषयों को पढ़ाते हैं। शास्त्रार्थ के इतिहास को आप तीन भागों में बांट सकते हैं। मैं अपनी बात को जल्दी से पूरा करना चाहता हूँ और उसके बाद आज के वक्ताओं को आमंत्रित करूंगा। वैदिक कालीन शास्त्रार्थ में आप याज्ञवल्क और गार्गी को रख सकते हैं, मध्यकालीन शास्त्रार्थ में शंकराचार्य और मंडन मिश्र, जिसमें और कुमारिल भट्ट और बौद्धों का शास्त्रार्थ और कुछ जैनों का भी, लेकिन मुझे उसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। और आधुनिक कालीन जो है ऋषि दयान के शास्त्रार्थ तो प्रसिद्ध हैं ही हैं, हमें आर्य समाजियों से वो पता लगते भी हैं और नेट पर भी कई उनमें से उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रार्थ का एक पक्ष हमें चरक संहिता में भी देखने को मिलता है। वहां पर तीन भाग उसको शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ के तीन भागों को विभाजित करते हैं। कार्याभिर निर्वृत्ति जो है, द एग्रीगेट ऑफ रिसोर्सेस फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ एन एक्शन, ये उसका पहला भाग है। फिर उसके बाद परीक्षा है, द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन किसी भी शास्त्रार्थ का। और तीसरा जो भेद है वो है संभाषा विधि या वाद विधि, जिसे द मेथड ऑफ डिबेट, एंड दिस इज फॉलोड बाय डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दीज थ्री टॉपिक्स। उसमें वाद विधि जो है उसमें अनुलोम संभाषा और विग्रह भाषा, ये उसमें बड़ा एक महत्वपूर्ण रुचिकर जो है वो अंतर करते हैं, कि जहाँ पर पीसफुल डिबेट है, आपस में चर्चा, एक दूसरे की बात को समझने का प्रयास है, और विग्रह संभाषा जो है वहां पे होस्टाइल डिबेट है, एक दूसरे को अपमानित तिरस्कृत और पराजित करने का भाव उसमें रहता है। और चरक संहिता में आगे चलकर उस डिबेट को जो है सुपीरियर, इक्वल और इंफीरियर के भी उसमें विभाजन किए गए हैं। फिर जो सुनने वाले लोग हैं उनको फिर लर्नड और इग्नोरेंट के भेद में डाला गया है। तो इस तरह के कई जो पक्ष हैं वो हमें चरक संहिता में भी देखने को मिलते हैं। तो न्याय और चरक में शास्त्रार्थ इस रूप में हमें देखने को मिलता है। अब ये चीज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, जो कुछ ताकि एक भूमिका के रूप में हमारे सामने आए, आर्य समाज शास्त्रार्थ पत्र बहुत पुराना है और इसको पंडित साधु सिंह तथा आर्य समाज का संवाद रूप, और ये जो पत्र लिखा गया है, ये पत्र लिखा गया है जो मूर्ति पूजा को लेकर के आर्य समाजियों के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ है और मथुरा में हुआ है उसको लेकर के इस तरह के एक शास्त्रार्थ का जो प्रारूप है वो हमें देखने को मिलता है लिखित रूप में। उसके अतिरिक्त जैनों के शास्त्रार्थ भी बड़े बहुत सारे उसके प्रमाण उपलब्ध हैं। शास्त्रार्थ जो दिल्ली में हुआ और वो किस विषय को लेकर के है, ईश्वर के कर्तृत्व विषय, कर्तृत्व
कर्तृत्व को आधार बना करके वो शास्त्रार्थ है और वेद विदों के साथ वो शास्त्रार्थ है। और आप इसकी भाषा को पढ़ें कि मैं यहाँ पढ़ने नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ये पावर पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। पुरानी हिंदी जिसे कहते थे उसको समझना कई बार थोड़ा कठिन होता है, और आप कमाल की बात देखें कि इसके वाक्य बड़े लंबे हैं, बिल्कुल जैसे संस्कृत में कई बार जो है पंडित कवि जो है वो लंबे लंबे वाक्य लिखते हैं, उसी तरह के यहाँ आपको वाक्य देखने को मिलेंगे। उसमें से एक चीज मैं आप लोगों के लिए जरूर पढ़ना चाहूंगा कि ये एक डिबेट का पत्र है कि किस तरह से आमंत्रित किया जाता था और किस तरह से प्रश्न रखे जाते थे। इसमें से आप लोग श्रीयुत मणिसागर जी, ये लगभग बीच में आप ये देख सकते हैं, आपका पूज्यपाद परम गुरु आचार्य महाराज जी के नाम पर चेत बदी दो का पत्र मिला, आप इंदौर में तशरीफ लाए हैं सो मालूम ही है, हम लोग शास्त्रार्थ के लिए पहले से ही तैयार थे, अब भी तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। आप शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं सो अच्छी बात है, निम्नलिखित बातों के उत्तर शीघ्र दीजिए ताकि शास्त्रार्थ के लिए अन्य अन्य तैयारियां करवाने की अनुकूलता हो। आप शास्त्र, अब देखिए क्या उसके क्वालिफिकेशंस क्या पूछे जा रहे हैं, बात जो पूछी जा रही है, आप शास्त्रार्थ करने आए हैं सो किस एक सामुदायिक पक्ष की तरफ से आए हैं, या आप अपनी ही तरफ से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, आपकी हार जीत और भी किसी को मंजूर है, आप किसकी आज्ञा से विचरते हैं, जिसकी आज्ञा में विचरते हैं उसकी आज्ञा शास्त्रार्थ के लिए ली है, इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं, आपका विशाल विजय। ये पत्र भेजा गया है उससे शास्त्रार्थ करने से पूर्व, ये जैनियों के साथ है, और उसमें इंटरेस्ट बड़ा रुचिकर है, उसका उत्तर भी दिया गया मुनि मणिसागर जी द्वारा इंदौर से कि शास्त्रार्थ करने को किसी सामुदायिक पक्ष की तरफ से नहीं आया, मगर मध्यस्थ पक्ष में मेरी तरफ से लोगों की शंका दूर करने के लिए शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। देखिए प्रयोजन भी बड़ा क्लियर कर दिया, बड़ा स्पष्ट है, मुझे मालूम नहीं कि ये चीजें हमें कभी क्यों नहीं पढ़ाई गई या कभी हमारे कोर्सेज में ये चीजें क्यों नहीं आई। सत्य निर्णय ठहरे, अब ये भाषा का परिवर्तन भी देखिए, आज ये इस तरह की भाषा हम हिंदी की नहीं बोलते, सत्य निर्णय ठहरे वह मेरे को मंजूर है, अन्य सत्य की अभिलाषी जो सत्य देखेंगे वह ग्रहण करेंगे उन्हों की खुशी की बात है। तीसरा वो कहते हैं, मैं मेरे गुरु महाराज उपाध्याय जी श्रीमान सुमित सागर जी की सुमित सागर जी महाराज की आज्ञा में हूँ, उन्हों के साथ में ही इंदौर आया हूँ, उन्हीं की इस विषय में शास्त्रार्थ सत्य निर्णय करने की आज्ञा है, और संवत 1978 का ये पत्र है। तो इस तरह से एक बड़ा रुचिकर सा ये डिबेट के जो भूमिका है वो देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं शास्त्रार्थ सुधा जैसे हैं, आद्य शंकराचार्य मंडल मिश्र शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ रत्नावली और शास्त्रार्थ पानीपत भाग एक, ये जैनियों के द्वारा प्रकाशित है और विदुषी जैन साध्वी हैं उनके द्वारा ये प्रकाशित है, सर्व शास्त्रार्थ तत्वविद, तो इस तरह की कई पुस्तकें हमें उपलब्ध हैं, लेकिन ये उपलब्ध मेरे पास नहीं है और मैंने इनको ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन सूचना आप लोगों के साथ इसलिए साझी कर रहा हूं कि हम बातचीत जो है इसके आगे आरंभ कर सकें। चलिए इतना हम जानते थे, इसके बाद आज की चर्चा को आरंभ करने के लिए मैं जो आज के मुख्य वक्ता हैं रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, जो फॉर्मर चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से हैं, वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे और इसको विस्तार देंगे, और उसके बाद प्रेसिडेंशियल कमेंट्स रहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी के, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हैं, और उसके बाद ये खुला सत्र रहेगा, आप लोगों की टिप्पणियां, आप लोगों की चर्चाएं, जो भी आशंकाएं भी होंगी उन सबको लिया जाएगा। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं बीच में, ये मैंने विशेष रूप से इसलिए डाला है इसमें कि आप देख करके ये निर्णय करें
ये भी निर्णय करने की बात है कि आप क्या देख रहे हैं। तो दो पक्षों से अगर आप देखेंगे तो एक तरफ से आपको खरगोश दिखाई देगा और एक तरफ से आपको बतख दिखाई देगा, तो यहीं से शास्त्रार्थ आरंभ हो सकता है। तो शास्त्रार्थ करने के लिए कोई भी ज्ञान की बात कहीं से भी हम किसी भी बिंदु से आरंभ कर सकते हैं कि देखने का, दर्शन करने का दृष्टिकोण क्या है, तो वहां से हम इस सारी बात को अग्रसर करते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को कि वो हमारे साथ ये चर्चा को अग्रसर करें, और समय 30 मिनट के करीब रहेगा। दोनों विद्वानों से मेरा नम्र निवेदन है कि 30 मिनट से अधिक ना लें, ताकि उसके बाद जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उनकी टिप्पणियां, उनके विचार, वो भी हमें लेने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी कि वो अपनी बात हमारे साथ आरम्भ करें। आ ब्रह्मांड पिपिल्लिकांत तनुभेत् सुदृम्भमानास्फुटम् जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति भासकतया सर्वत्रया दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूया सदा शय्यसे आनन्दमानन्दकरं प्रसन्न डॉक्टर साहब, आपकी आवाज शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक आध मिनट हम जी डॉक्टर साहब अपने को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूटेड अनम्यूटेड डॉक्टर राजेंद्र जी अपने को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ हो गए जी जी, अब आ रही है आवाज। हाँ निकल नहीं हुआ। हाँ जी अब करिए। नहीं आप आज कार्यक्रम दोबारा शुरू करूँ? मुझे लगता है दोबारा आप ज्वाइन कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बार बार म्यूट हो रहे हैं आप। आज के इस कार्य रमाकांत सर आप दोबारा जुड़ जाएं डिस्कनेक्ट करके, क्योंकि आप बार बार म्यूट हो रहे हैं सर। कुछ सेकंड्स के लिए हमें इंतजार करना होगा, वो दोबारा जुड़ रहे हैं। शास्त्रार्थ को लेकर के बड़ी देर से ये इच्छा थी कि इसके ऊपर कोई चर्चा हो पाए। जी अनम्यूट करें सर अपने को। नहीं सर आप अनम्यूट नहीं हो। हेलो। हाँ जी हाँ जी अब स्पष्ट। जी 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 स्पष्ट है सर। हाँ हेलो। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर रमाकांत आंगिरस जी सभी शास्त्रों के 11 हैं, हमारे गुरुवर हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ। प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी, प्रोफेसर आशुतोष जी और अन्य जितने भी विद्वान इससे जुड़े हुए सबका मैं सबको प्रणाम अभिनंदन करता हूँ, और मेरी बात में संक्षिप्त रूप में शुरू करता हूँ। आज का जो विषय था संस्कृत शास्त्रार्थ संगोष्ठी, संस्कृत में शास्त्रार्थ संगोष्ठी क्या है, उसका स्वरूप क्या है और विषय क्या है, इस पर मैं कुछ बातें रखूंगा कि शास्त्रार्थ का अर्थ कि शास्त्र का अर्थ क्या है, वो सही अर्थ क्या है उसे हम स्पष्ट करें। तो इसलिए शास्त्रार्थ होते रहे, हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें जैसा कि आशुतोष जी ने बताया कि शास्त्रार्थ के दो भेद किए इन्होंने, दार्शनिक और धार्मिक। मैं समझता हूँ कि मैं दूसरे तरीके से देख रहा हूँ कि शास्त्रार्थ जो है हमारे दो तरह से हुए। शास्त्रार्थ का जो मुख्य उद्देश्य था वो परीक्षा था, मतलब किसकी परीक्षा करें शास्त्रार्थ में, तो एक तो परीक्षा होती ज्ञान की परीक्षा हो जाए या ज्ञानी की परीक्षा हो जाए, जो शास्त्रार्थ में जो ज्ञानी है उसकी परीक्षा हो जाए या ज्ञान की परीक्षा हो जाए। तो हम जो शास्त्रार्थ क्या थे पहले हमें नहीं पता, पर जो भी ग्रंथों में मिलता है
छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद में शास्त्रार्थ की बात आती है, और जनक बहुत से ब्राह्मणों को, ब्रह्म के ब्राह्मणों को इकट्ठा करते हैं और उनसे वो ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्रार्थ मूलतः ब्रह्म ज्ञान के लिए था कि कौन असली ब्रह्म ज्ञानी है, असली ब्रह्म ज्ञानी कौन होगा। तो महाभारत में वो कहते हैं कि आदमी ज्ञानी कौन होता है, कि केवल उम्र से ज्ञानी नहीं होता, बड़ी उम्र हो गई, बाल सफेद हो गए इसलिए भी ज्ञानी नहीं होता, धन से भी ज्ञानी नहीं होता और भाई बंधुओं से भी ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी वही होता है ऋषयः चक्रे धर्मम योनु चान सोनो महान, कि जो धर्म को जानता हो, जो वेदों को जानता हो, वेद वेदांग और स्वाध्याय इनके मर्म को जानता हो, वो व्यक्ति महान होता है। तो जनक का प्रश्न था कि इसमें सबसे महान कौन होगा जो हमें धर्म को बता सके, वेद की व्याख्या कर सके, इसको इसकी परीक्षा के लिए उन्होंने शास्त्रार्थ रखा। बृहदारण्य के दूसरे अध्याय में उन्होंने बहुत से देश विदेश सबसे जितने भी बड़े बड़े धर्मज्ञ और धार्मिक विद्वान थे उन सबको उन्होंने वहाँ बुलाया और उनके सामने रखा कि ये सामने कुछ गायें बंधी हुई है, हजारों गायें बंधी हुई है, एक एक गाय पर इतना इतना सोना लटका हुआ है, जो इसमें ब्रह्म को जानता हो, जो सबसे महान हो, वो इसको ले जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो महान ज्ञानी था, जो पूर्ण ज्ञानी था या सर्वोच्च ज्ञानी था, वो ही इसको गाय ले जा सकता है। ज्ञानी तो सभी थे और सब में कम बेसी ज्ञान होगा ही, किसी में 2% ज्यादा, किसी में 4% ज्यादा हो और कम हो, पर वहाँ सर्वोच्च ज्ञान का प्रश्न था कि सर्वोच्च ज्ञान जिसको संपूर्ण ज्ञान हो, सर्वोच्च ज्ञान हो, वही इसे ले जाए। याज्ञवल्क जो है वहाँ प्रकट होते हैं और याज्ञवल्क ने कहा कि ये गाय खोल लो, हम इसको लेना चाहते हैं। वहाँ जितने भी विद्वान थे जो धुरंधर विद्वान थे, ऋषि थे और जिन्होंने पूरी जिंदगी अपना ज्ञान प्राप्त किया, वो सब याज्ञवल्क से प्रश्न पूछते हैं। तो ये शास्त्रार्थ का मूल था कि सभी जितने भी ज्ञानी थे, उन ज्ञानियों ने अपने जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को वहाँ रखा ब्रह्म के विषय में, या जो भी उनके मन में था, जो भी वो कठिन से कठिन प्रश्न समझते थे, उन सबको प्रश्नों को रखा। गार्गी ने भी प्रश्न रखे और सभी प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क ने दिया, और याज्ञवल्क के जो उत्तर थे वो पूरे आप देखना चाहें तो बृहदारण्यक में मिलते हैं। तो ये शास्त्रार्थ का रूप था और अंत में याज्ञवल्क विजयी होते हैं और सभी को चुप कर देते हैं, और उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो तपस्या है और उनकी जो ज्ञान की साधना, वो सर्वोच्च सिद्ध वो इसमें शास्त्रार्थ में करते हैं। इस तरह से ये ज्ञानी की परीक्षा होती है। दूसरी बात, ये मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ, दूसरी जो बात है, जो बृहदारण्य के छठे अध्याय में फिर एक बात उठती है कि एक विद्यार्थी श्वेत केतु अपने सर्वशास्त्र पढ़ लेता और अपने आप को ज्ञानी समझता है, तो वो पंचाल राजा के प्रवाहन के पास आता है और राजा पूछते हैं, तो बोलता मुझे सब कुछ पढ़ाया हूँ, सब कुछ मुझे ज्ञान हो गया, ये सब शास्त्र पुराण जो है वेद में सब जानता हूँ। तो उसे 5 प्रश्न पूछते हैं, ऊपरला प्रश्न पूछते हैं इसका उत्तर तुम्हें आता है, बोलो नहीं आता। दूसरा प्रश्न पूछते हैं इसका उत्तर आता है, बोलो नहीं आता। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि जल से कैसे, जल कब आत्मा बन जाता है, तो इसका उत्तर आता नहीं आता। तो उनके जो 5 प्रश्न थे राजा जनक पंचाल नरेश के, उन 5ों का उत्तर से नहीं आता था, तो वो अपने आप को लज्जित महसूस करता है कि यार हम तो झूठे घमंडी हो रहे हैं और हमने पूरी जिंदगी पढ़ लिया और हमें एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। वो वापस अपने पिता उदाल जाता है और पिता को कहता है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पिताजी कहता है मुझे भी ये प्रश्न तो नहीं आते। पिता को भी प्रश्न नहीं आ रहे, जो कुलपति था उस समय का, जो दिन रात वेद पढ़ते थे 24 घंटे, उनको भी उनका उत्तर नहीं आता। तो फिर पिता जो है उन प्रश्न का उत्तर जाने राजा के पास पहुँचता है और राजा को कहता है कि साहब ये आपके जो 5 प्रश्न है इनका उत्तर हमें तो नहीं पता है, हमने सब शास्त्र पढ़ लिए और पढ़ा भी दिए, पर ये इनका उत्तर हमें नहीं पता है, आप बताइए। तो कहते हैं कि मैं तब बताऊं जब आप मेरे शिष्य बनो। तो गुरुकुल के जो आचार्य हैं वो उनके शिष्य बनना स्वीकार करते हैं कि मैं शिष्य बन जाऊंगा, आप जो कहें बन जाएगा, क्योंकि हमें ज्ञान को जानना है और ये ज्ञान हमें है ही नहीं, जो ज्ञान आप में है, हम इतने पढ़ लिए लिख लिए पर हमें ये ज्ञान नहीं है। और उन प्रश्नों का उत्तर उसमें बृहदारण्यक में आप 6ठे अध्याय में आप देखें, उन सभी 5 प्रश्न का उत्तर उस राजा ने दिया है और कहा कि ये आप लोग वैद्य हैं, आपको भी नहीं पता इनका, ये असली ज्ञान तो अलग होता है, हम शास्त्र पढ़ ले, शास्त्र को पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती, हम शास्त्र को समझते ही नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि आप जिस ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, किसी भी ज्ञान की बात करते हैं, हम उसे दिन रात पढ़ लें फिर भी हमें आता ही नहीं है और हम उसको सही रूप में नहीं समझते। तो सही रूप में समझने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं, और ये बृहदारण्यक के अनुसार मैंने एक बात रखी आपके सामने, और भी साथ आता है उनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। दूसरा, मैं महाभारत से देखता हूँ कि महाभारत में भी यही था कि वहां जो परीक्षा हो रही है उन ज्ञानियों की ज्ञान की परीक्षा हो रही है। यक्ष गीता में जो यक्ष जो प्रश्न उठा रहे हैं, यानी यक्ष में धर्मराज खुद अपने पुत्र
पांडवों से प्रश्न उठा रहे हैं, वहाँ करीब उन्होंने 200-300 प्रश्न उठाए और जिनका उत्तर केवल युधिष्ठिर दे पाया, दुनिया में उनका उत्तर कोई देने वाला नहीं था। इस तरह से युधिष्ठिर की धर्म विषय ज्ञान की परीक्षा उसमें की गई, तो उसे हम यक्ष प्रश्न कहते हैं, उन यक्ष प्रश्नों का उत्तर उसमें प्रसिद्ध है। तो इस तरह से शास्त्रार्थ में दो लोग होते हैं, एक प्रश्नकर्ता होता है और एक उत्तर देने वाला होता है। उत्तर देने वाला आपको उत्तर से संतुष्ट कर दे और आपके सभी प्रश्नों का समाधान कर दे, तो इसलिए वो ज्ञानी होता है। आज भी हम जो इंटरव्यू करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, उसमें भी यही होता है। उसमें जो विशेषज्ञ लोग बैठते हैं और जो अभ्यर्थी है उसे प्रश्न करते हैं और उस प्रश्नों के आधार पर उसकी विद्वता का, उसके ज्ञान का निर्णय होता है और वो सिलेक्शन करते हैं। पर इसमें वो समान नहीं होता है, वो जो इंटरव्यू देने वाला उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकता है, वो तो केवल देता है उनके प्रश्नों के उत्तर। पर शास्त्रार्थ में दोनों प्रश्न पूछते थे, दो लोग होते थे और दोनों एक दूसरे का प्रश्न पूछते थे, जिसको ज्यादा उत्तर आते थे या समस्त उत्तर आते थे वो इसमें विजेता होता था। इसलिए महाभारत में जब देखते हैं तो महाभारत में बहुत सी जगह हैं, बहुत से इसमें संवाद हैं, बहुत से प्रश्न हैं और जिनका उत्तर दिया गया। इसमें अष्टावक्र की कथा आती है, अष्टावक्र और बंदी का शास्त्रार्थ होता है और वहाँ अष्टावक्र जब उसमें घुसते हैं, अष्टावक्र की उम्र 10 वर्ष है और लोग कहते हैं कि 10 वर्ष का बच्चा आके क्या यहाँ पर शास्त्रार्थ करेगा, उसे घुसने ही नहीं देते हैं कि आप शास्त्रार्थ, तो बड़े बड़े जो अनुभवी और मर्मज्ञ विद्वान होते हैं, जो खूब उम्र वाले होते हैं, जिन्होंने सब कुछ जान लिया, वो इसमें आएंगे, आप कैसे आ सकते हो। तो उसे रोकते हैं और राजा उसे कई प्रश्न भी पूछता है कि आपको अंदर नहीं दिया जाता है। तो राजा जनक वहाँ प्रश्न करते हैं और बड़े कठिन प्रश्न उसे पूछे जाते हैं कि बताओ, तो वो प्रश्न कूट प्रश्न कहलाते हैं, शास्त्रीय प्रश्न करते हैं कि बताओ कि वो क्या चीज़ है जो जन्मते ही पत्थर हो जाती है, वो क्या चीज़ है जो आँख जिसकी मतलब आँखें खुली रहती है सो जाती है, वो क्या चीज़ है। तो इस तरह से उन्होंने उस प्रश्न के सामने रखे कि वो क्या चीज़ है जिसके हृदय ही नहीं है। फिर तुरंत अष्टावक्र उन उत्तरों को देते हैं और अष्टावक्र कहते हैं कि भाई देखिए, अंडा जो होता है वो जन्मते मतलब वो मतलब इसमें गति बंद हो जाती है, अंडा जन्मने से पहले गति थी, जैसे अंडा बाहर आया उसमें गति बंद हो जाती है, यानी सांस ही नहीं लेता है, अंडा सांस नहीं लेता है, तो इसलिए अंडा जो है जन्मते सांस बंद कर देता है। ये आपके एक प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का उत्तर, मछली जो है वो सोती है तो उसकी आँख खुली रहती है, तो ये दूसरा उत्तर है। पत्थर जो है वो उसके हृदय नहीं होता है, तो वो कहते हैं जनक उसके कई प्रश्न करके और कहते हैं कि वास्तव में आप तो अलौकिक व्यक्ति हो और आपका ज्ञान अलौकिक है और आपका शास्त्रार्थ होगा। शास्त्रार्थ में बंदी और उनका जो शास्त्रार्थ हुआ, और उस शास्त्रार्थ में वो जो प्रश्न थे वो महाभारत में उपलब्ध हैं। उन प्रश्नों में बंदी जो है गर्जना करते हैं कि भाई मेरे सामने कौन सकता है, अष्टावक्र भी गर्जना करते हैं कि मैं भी कम नहीं हूँ, मैं तुम्हारे को अभी तुम्हारा जितना भी ज्ञान है उसको मैं सामने आपके खंडित कर दूंगा और आप बुझ जाओगे, जैसे पानी आने पर आग बुझ जाती है। वो कहता मैं शेर हूँ, मेरे शेर के सामने कौन दहाड़ेगा, और उनके शास्त्रार्थ शुरू होता है, जिसमें कुछ बंदी जो शास्त्रार्थ करते हैं उसका जो मूल जब देखते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि एक ही चीज़ है, ये चीज़ें एक एक होती है, एक श्लोक बोलते हैं जिसमें सब चीज़ एक बताई गई। तो अब ये स्थापना की तो अष्टावक्र तुरंत दूसरा श्लोक बोलते हैं कि जिसमें सब चीज़ दो बताई गई। फिर वो कहते हैं नहीं, बंदी तीसरी बार कहते हैं कि भाई जिसमें सब चीज़ें तीन बताएगी, फिर चार चीज़ें बताएगी। तो आपस में साता चलता है कि चार चीज़ों का श्लोक, तीन चीज़ कौन कौन सी दुनिया में, चार चीज़ कौन कौन सी है, पांचवी चीज़ कौन कौन सी है, छठी चीज़ कौन सी है, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं पर आकर के बंदी अटक जाते हैं। वो एक श्लोक बोलते हैं और उसमें आधे दो चरण बोलते हैं और चुप हो जाते हैं और कहते हैं मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो शास्त्रार्थ में एक व्यक्ति निरुत्तर हो जाता था कि उसको लगता था अब मैं नहीं लड़ सकता हूँ इस आदमी से, इसका ज्ञान कितना होगा। तुरंत अष्टावक्र श्लोक को पूरा कर देते हैं कि ये जो 13 जो चीज़ें हैं ये दो चीज़ें मैं और बता देता हूँ, श्लोक पूरा सुना देते हैं और बंदी हार जाता है। तो ये शास्त्रार्थ की जो विधि थी इसमें कुछ भी प्रश्न पूछ सकते थे, कुछ भी शास्त्र को उद्धृत कर सकते थे और कहीं से भी हमें अष्टावक्र का शास्त्रार्थ मिलता है। इसके बाद जो शास्त्रार्थ एक महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ है जो जनक का है, जनक का और सुलभा का शास्त्रार्थ है। सुलभा एक महिला है जो आप आशुतोष जी करें, महिलाएं बड़ी ज्ञानी होती थी, गार्गी ने बहुत से प्रश्न किए और उन प्रश्नों को मैंने भी उद्धृत नहीं किया, पर मैं सुलभा की बात कहूँगा कि सुलभा एक ब्रह्मचारिणी है और वो राजा जनक की सभा में प्रविष्ट होती है और प्रविष्ट होकर के वो कहती है कि मैं उसको प्रविष्ट देखते हैं, बहुत सुंदर महिला है और ब्रह्मचारिणी है, और वो आके क्या कहती है कि वो कहती है जनक मैं तेरे शरीर के अंदर प्रवेश करूँगी, मैं आज तेरे शरीर के अंदर रहूँगी और मेरा यही मन है रहने का। जनक को बड़ा गुस्सा आता है, जनक अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझते थे और जनक को भ्रम था कि मेरे से ज़्यादा ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं हो सकता, मैंने जो शिक्षा ली है पंच शिक्षा ली है
और मुझे सब शास्त्र आते हैं और मेरे सामने मिथिला अगर जल भी जाए तो मुझे कुछ नहीं होगा, अपने आप को विदेह कहते थे। उस विदेह का मान भंग करने के लिए सुलभा आई थी और सुलभा कहती है कि मैं तुम्हारे शरीर में घुस रही हूँ और मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे शरीर में। तो जनक को अच्छा नहीं लगा और उनका कि देखो तुम मेरी सभा में आई हो, तुम कौन सी महिला हो, तुम्हें क्या आता है, तुम्हारी क्या जाती है और तुम ऐसे काम क्यों कर रही हो, मेरे शरीर में क्यों घुस रही हो, और कह तो ये ठीक नहीं है। और जनक ने उस पर बहुत सी आलोचना की और उसको एक तरह से उन्होंने तिरस्कृत करने की कोशिश की। सुलभा ने जनक के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और सुलभा उसके घर शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। और फिर सुलभा ने जो प्रश्न किए वो जनक को नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्म ज्ञान तुम्हें नहीं हुआ है, मैं केवल ये देखने आई थी कि तुम अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझते हो क्या, तो तुम ब्रह्म ज्ञानी हो भी क्या, तो यहाँ मैं तेरी परीक्षा लेने आई थी और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं है और मैं एक तपस्वी हूँ और मैं क्षत्रिय जाति की हूँ, मेरी जाति पूछे जाति पर जाति होती क्या है, कोई जाति नहीं होती, आदमी कहाँ से क्या प्रकट होता है, कितनी चीज उसके अंदर आती है कितनी जाती है। तो इस तरह से उसने अपने शास्त्रीय ज्ञान से जनक को पराजित किया। ये देखने लायक गीता है, सुलभा गीता हम कहते हैं। तो ये जो शास्त्रार्थ की परंपरा है, कालिदास का शास्त्रार्थ, तो ये सब शास्त्रार्थ में किसी व्यक्ति के ज्ञान की परीक्षा होती है और उसके ज्ञान कितना है, वो अगले को प्राप्त करता है नहीं करता है, उसको निरुत्तर करता है नहीं करता, तो ये एक तरह की परिचर्चा है। दूसरी जो परीक्षा है उसको मैं अलग कोटि का करता हूँ, जो आपने भी बताया आशुतोष जी ने कि उसमें शास्त्र देने वाले की परीक्षा नहीं है, मतलब जो वादी या प्रतिवादी उसकी परीक्षा न होकर के उसमें शास्त्र के ज्ञान की परीक्षा होती है। और शास्त्र के जब ज्ञान की परीक्षा होती है तो वो ज़्यादा क्रांति करती है, वो क्रांतिकारी शास्त्रार्थ होते हैं जिनमें किसी भी ज्ञान को हम दो ज्ञानों की परीक्षा करते हैं कि इनमें कौन सा बल वाला है और कौन सा निर्बल है। तो बलाबल की जब शास्त्र ज्ञान की परीक्षा हो, इसमें किसी व्यक्ति के ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है। तो मूलतः पहले जो परंपरा थी वो व्यक्ति के ज्ञान की परीक्षा थी और बाद की जो परंपरा है वो उस शास्त्र की परीक्षा है कि शास्त्र में जो कहा गया सही है नहीं। बुद्ध ने जो प्रश्न उठाए थे, बुद्ध ने अनात्मवाद को लेकर के और बुद्ध ने जो प्रश्न उठाए अनित्यवाद को लेकर जो प्रश्न उठाए जिनका उत्तर वैदिकों के पास नहीं था, पूरे देश में बौद्ध धर्म फैल चुका था और बौद्ध धर्म को क्योंकि वो सरल था, वो दुख की बात करता था और लोग उसके प्रशंसक हो गए थे, दुख का उपाय बता रहा था, वो कहता इन शास्त्रों में कुछ नहीं रखा, असली जो समस्या है वो दुख निरोध की है। चार आर्य सत्य में जो उन्होंने बुद्ध ने कहा वो इतना लोकप्रिय हुआ कि धीरे धीरे पूरा भारत बौद्ध धर्म के आगोश में आ गया। इसके बाद जो परंपरा आई है, उसके बाद की जो परंपरा है जो बौद्ध धर्म के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, यहाँ जो प्रश्न थे वो शास्त्र से संबंधित प्रश्न थे कि शास्त्र में जो कमी बताई जा रही थी, वैदिक ज्ञान में जो कमी बताई जा रही थी, तो वहाँ तीन शास्त्रार्थी विद्वान प्रकट होते हैं और वो तीन शास्त्रार्थियों ने अपना अपना शास्त्रार्थ रखा। पहले जो विद्वान है उसमें हम कहते हैं कि कुमारिल भट्ट आए और कुमारिल भट्ट ये कहते हैं कि कुमारिल कहते हैं कि प्रायेण मीमांसा ही लोके लोकायति कृता तामास्तिक पथे कर तुम, तो वो कहते हैं कि जो मीमांसा शास्त्र था वो बौद्धों के हाथ चला गया और नास्तिक लोग इसकी व्याख्या करने लगे, अब शास्त्र और उसका निर्णय और विवेचना हमारे हाथ में नहीं रही, वैदिकों के हाथ में नहीं रही, आस्तिक लोगों के हाथ में नहीं रही, मैं इसीलिए प्रयास करता हूँ। उन्होंने बौद्ध ग्रंथ पढ़े, बौद्धों के पूरे ग्रंथ पढ़ करके और धर्मपाल जी से उन्होंने अपने गुरु से शास्त्रार्थ किया और उसने अपने गुरु को ही प्राप्त किया। वहाँ जो शर्त रखी उन्होंने कि भी जो हारेगा या तो चेला बनेगा या इसको खत्म किया जाएगा, तो एक शास्त्रार्थ में ये भी एक प्रतिज्ञा होती थी कि भी जो शास्त्रार्थ करेगा हारने वाले को मृत्यु वरण करनी पड़ेगी। तो वो जो कुमारिल का जो शास्त्रार्थ है वो अपने गुरु जो नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ हुआ उसमें उसने अपने गुरु को हराया और गुरु को हराने के बाद में बौद्ध धर्म पर एक बड़ा संकट आ गया कि ये कुमारिल क्या करेगा, क्योंकि कुमारिल को सभी बौद्ध ग्रंथ कंठस्थ थे, उन्होंने उसी गुरु से पढ़ा था और उसी को प्राप्त कर दिया। और कुमारिल ने देख लिया कि ये बौद्ध लोग जो हमारी आलोचना करते हैं, हमारे सिद्धांतों में कभी निकालते हैं, उन सिद्धांतों की कुमारिल ने बात ही नहीं की, उन्होंने ईश्वर की बात नहीं की कि ईश्वर के बारे में कुछ बोलेंगे, मैं नहीं बोला ईश्वर के बारे में, और उन्होंने उनकी जो उत्तर थे वैदिक परंपरा के वो समुच्चय उत्तर कुमारिल ने दिए और कुमारिल ने पूरे भारत में भ्रमण किया। और कुमारिल लास्ट में ये मानते हैं कि मैंने तीन गलतियाँ की थी, एक तो मैंने गुरु के प्रति द्रोह किया, मैंने गुरु को हरा दिया, एक मैंने वेदों के जो ईश्वर को नहीं माना, तो ये मेरी गलती है, इसके प्रायश्चित में वो प्राण त्याग करते हैं, सुसानल में जलकर वो जो है उज्जैन में जलते हैं। उसी समय एक तरह से मीमांसक के रूप में कुमारिल भट्ट ने एक बड़ा काम किया, बड़ा काम ये किया, इस शास्त्रार्थ की उपलब्धि क्या हुई, तो कुमारिल का जो शास्त्रार्थ है उसकी उपलब्धि ये हुई कि उन्होंने अपनी बातों को लिखा, बौद्धों का खंडन उन्होंने लिख के दे दिया कि बौद्धों को आपको उत्तर देना, मैं उत्तर ले देता हूँ। उन्होंने श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टूप टीका
इस तरह से मीमांसा की व्याख्या लिख दी, इस व्याख्या से आप बौद्धों के सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे और बौद्धों को प्राप्त कर देंगे। तो एक बड़ा काम हुआ। और कुमारिल का जो योगदान, इसको हम भारती कहते हैं, उसने भारती लिखे और भारतीकार के रूप में बड़ा मान्य हुआ और एक देश में एक नई बात आई और बौद्धों को लगा कि अब इस भारतीयों का उत्तर क्या दें। इस मीमांसा ने जो कुमारिल ने जो कार्य कर दिया तो वो हमारे लिए बड़ा कठिन हो गया। और उसके बाद में शंकराचार्य का उदय होता है, आचार्य शंकर जो है वो भी वेद धर्म की रक्षा के लिए आए थे, कुमारिल भी वेद की रक्षा के लिए आए थे। कुमारिल कहते हैं कि सरस्वती रोती थी वेद की, कि वो कहते थे कि सरस्वती रो रही थी रात को कि किम करो मे को गच्छा मे का वेदान उद्धरिष्यति, कि सरस्वती कहती मैं क्या करूँ, आज पूरे भारत में बौद्ध धर्म राजनीतिक रूप से हावी हो गया, संस्थाओं में हावी हो गया, बाकी वैदिक धर्म को कोई पूछने वाला नहीं, कहाँ जाऊँ, किम करो मैं। तो कुमारिल कहते हैं उसको कि मैंने प्रतिज्ञा की मैं इन बौद्धों का उत्तर दूंगा। और बौद्धों को उन्होंने उत्तर दिया और कहा कि मैं जब तक हूँ तब तक मैं बौद्धों को जितने नहीं दूंगा, और उसने ये कार्य किया भी। तो इस तरह से जो आचार्य कुमारिल को जब देखते हैं तो ऐसे आचार्य जो है इन्होंने एक शास्त्र की प्रतिष्ठा की, मीमांसा की प्रतिष्ठा की और एक बहुत बड़ा कार्य उन्होंने संपन्न किया। इसके बाद दूसरे चरण में जो है जो कार्य शंकराचार्य ने किया, शंकराचार्य उसी कार्य को पूरा किया कि भी अभी भी उत्तर नहीं दिया गया, समस्त बौद्धों को एक एक बौद्धों को उन्होंने चारों जो मठ स्थापित किए इसके बीच में एक भी बौद्ध नहीं बचा। शंकराचार्य ने अपने शास्त्रार्थ से, अपने युक्तियों से, और उन्होंने बौद्धों को उत्तर दे दिया कि जितने भी आपकी शंकाएं हैं उन सबका मैं उत्तर देता हूँ। उन्होंने गीता का भाष्य इसीलिए लिखा, उन्होंने गीता का भाष्य और उपनिषदों का भाष्य और प्रस्तांतरी का भाष्य लिख करके उन्होंने बौद्धों के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और बौद्ध धर्म को एक तरह से उन्होंने विदा करने की कोशिश कर दी और लगभग उन्होंने विदाई कर दिया। और उन्होंने चार विजय स्तंभ बनाए कि यहाँ हमारे शास्त्र के लोग बैठेंगे, शंकराचार्य बैठेंगे और बाद में इस धर्म को यहाँ प्रवेश नहीं होगा। बौद्ध धर्म जो चूंकि भारत में ही उसका उदय हुआ था और भारत से वो विश्व में तो फैल गया, पर भारत में इन दो आचार्यों ने इस बात को बदल दिया। इसके बाद में तीसरे जो आचार्य आते हैं वो न्याय के आते हैं, उदयन आचार्य। उदयन ने भी ऐसे किया, उदयन भी जो है सभी प्रश्नों के उत्तर उसको देते हैं और जो बचे गए प्रश्न, और उन्होंने बाद क्या है, तर्क क्या, उनका जो योगदान था, उन्होंने सभी लोगों को एक एक गांव में गए कि कोई भी सामने आओ मैं उससे साक्षात करूंगा। जितने भी बौद्ध नैयायिक थे उन बौद्ध नैयायिकों को उन्होंने सबका जवाब दिया और उनको परास्त किया। उदयन ने क्या विशेष बात की और कुमारिल और शंकराचार्य की बात भी मैंने संक्षिप्त में रखी। कुमारिल का जो शास्त्रार्थ था उसका मंडन मिश्र शंकराचार्य के शास्त्रार्थ मैंने बात नहीं की अभी, क्योंकि मंडन मिश्र जो थे वो कर्म को मानते थे और वो कर्मकांडी थे। शंकर ये मानते थे कि ज्ञान कांड जो है वो मुख्य है, और क्योंकि इसीलिए प्रस्तांतरी में उन्होंने ज्ञान की स्थापना की, अद्वैत की स्थापना की, जबकि कुमारिल ऐसा नहीं मानते थे और न ही मंडन मिश्र मानते थे। तो उनको उन्होंने उनको सभी तर्क दे करके उन्होंने एक तरह से कुमारिल को, मंडल मिश्र को उन्होंने हरा दिया कि भाई ज्ञान ही जो है अद्वैत सर्वश्रेष्ठ है और तुम्हें हारना पड़ेगा। यानी मीमांसा और वेदांत में वेदांत ज्यादा शक्तिशाली है, अद्वैत वेदांत ज्यादा शक्तिशाली है। इनमें दोनों शास्त्रों का बलाबल का निर्णय करके और शंकराचार्य ने जो स्थापना की, शंकराचार्य की स्थापना ये थी कि अद्वैत वेदांत सर्वश्रेष्ठ वेदांत है। इस विषय में आंगिरस जी ने बहुत कार्य किया, वही बोले इसलिए मैं इसको नहीं बोलूंगा। और न्याय की जो बात है, न्याय की बात में उदयनाचार्य से शुरू करता हूँ। उदयनाचार्य जो थे नैयायिक थे, मिथिला के थे, और इन्होंने जो इनके जो ग्रंथ है उन्होंने लिखा भी है कि जो अभी शास्त्रार्थ किया उसको उन्होंने लिखा, और वो बड़ी शास्त्रार्थी थे और वो बड़ी घोषणाएं करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए सूर्य पूरब में नहीं उगता है, जिधर सूर्य उगता है उधर ही पूरब होता है। सूर्य पूरब में नहीं उगता, सूर्य का उदय पूरब में नहीं होता, उदयन जो कहता है वो शास्त्र कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो शास्त्र कहते हैं। शास्त्र क्या कहेंगे, जो मेरे बस में शास्त्र, अर्थात वो मानते हैं कि शास्त्र को मैंने पूरा पढ़ करके बस में कर रखा है। और नहीं तरणी रुदेती दिक् पराधीन वृत्ति, कि सूर्य जो है उनकी घोषणा है कि वो सूर्य जो है वो कभी भी दिशाओं के अधीन नहीं होता है। सूर्य जिधर उदय लेता उधर दिशाएं चलती हैं। हाँ, उदयती यदि भानो भानुमान से पूर्वा, तो ये उनकी घोषणा है। दिक् पराधीन वृत्ति, नहीं तरणी रुदेती दिक् पराधीन वृत्ति, तो उदयन की जो घोषणा है उन्होंने पूरे भारत से करीब लोग कहते हैं कम से कम 10,000 लोगों को उन्होंने हराया था, और जो हारे थे उनको मृत्यु लेनी पड़ी थी। उनका उन्होंने एक तरह से मृत्युदंड दिया कि ये हारेंगे तभी मानेंगे, नहीं तो लोग बौद्ध धर्म क्यों छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने 10,000 हत्याएं की, और बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि वो जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उनके लिए मंदिर बंद हो गया कि ये आदमी 10,000 लोगों को हरा के
और उनकी मृत्यु कर चुका ऐसा आदमी कितना इसने पाप किया होगा। तो वहाँ वो भगवान को भी चैलेंज करते हैं और भगवान को वो कहते हैं, वो बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, और प्रसिद्ध वाक्य है कि वो कहते हैं कि भी ऐश्वर्य मदमत्तोषी माम अवज्ञा तिष्ठति उपस्थितेषु बोध्येषु मदधिनात अवस्थिति, कि हे ईश्वर तुम जो अपने आप को मदमस्त हो गए हो, आज तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मेरे सामने मंदिर का गेट बंद हो रहा है, क्योंकि ईश्वर को बताया तो मैंने है, तुमको जब बौद्ध लोग खंडित करते थे, बौद्धों का जो तर्क था कि ईश्वर मूर्तियों में नहीं होता है, हम मूर्ति को जला देंगे तो ईश्वर जल जाएगा, ईश्वर दिखता ही नहीं है तो कहाँ ईश्वर है, ईश्वर कहीं नहीं है, किसी चीज़ में ईश्वर नहीं है। और वो अनिश्वरवादी बौद्ध दर्शन थे, उनको बोले मैंने उत्तर दिया था तब मेरे सामने तुम बच्चे थे, मैंने तुमको बचाया, तुमने मेरे को नहीं बचाया, इसलिए कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी ने भी सब क्षमा मांगी और उसका सम्मान किया। उदय ने जो तीन ग्रंथ लिखे, उसके जो तीन ग्रंथ हैं वो उसके पूरे शास्त्रार्थ की जड़ हैं। उन्होंने एक तो न्याय कुसुमांजलि लिखी जो इसको ईश्वर सिद्धि भी कहते हैं, और एक उन्होंने आत्मतत्व भी लिखा किरणावली लिखी। उनमें उदय ने कहा कि उस ईश्वर की बात वेदांती भी नहीं कर रहे हैं, ईश्वर क्या है उसको कोई बात नहीं कर रहा, सब छोड़ के चले गए, योग वाले भी इसकी बात नहीं करते हैं, सांख्य भी ईश्वर की बात नहीं कर रहा है बौद्धों के डर से, और मानसिक भी ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं, तब ईश्वर को बचाएगा कौन, इसलिए मैं न्याय कुसुमांजलि लिखता हूँ। और न्याय कुसुमांजलि के शुरू में उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरी जो न्याय कुसुमांजलि है ये ईश्वर सिद्धि का ग्रंथ है, और मैं इनके जितने भी तर्क हैं इसमें जैन बौद्ध और सांख्य और चार्वाक इन सब के मत उन्होंने पांच स्तबक में लिखा, उनके सब के उत्तर दे दिए, और उदयनाचार्य ने एक अलग प्रतिष्ठा की। उदयन के बाद में एक शास्त्रार्थ और है जो शास्त्रार्थ बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था, उदयन ने किसी श्रीहर्ष के पिता को भी हराया था, तो वो एक शास्त्रार्थ अलग है, और श्रीहर्ष ने उदयन के साथ एक और ग्रंथ लिखा जो शास्त्रार्थ की एक नई देन है, सुखंडन खंड खाद्यम कहते हैं, क्योंकि जब श्रीहर्ष अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उदयन के पास पहुंचते हैं तब उदयन थे नहीं, वो ब्रह्मलीन हो चुके थे, और तो उन्होंने उदयन की सभी किताबों का खंडन लिखने के लिए यानी न्याय का खंडन करने के लिए उन्होंने एक वेदांत का ग्रंथ लिखा जो खंडन खंड खाद्यम है, कि उदय ने जो लिखा उसकी मैं स्थापना नहीं होने दूंगा, और वो वितंडावाद को लेकर उन्होंने ग्रंथ लिखा। तो ये इस तरह से जो उपलब्धि थी, ये जो दो तीन शास्त्रार्थ मैंने बताए कि ये शास्त्रार्थ जो थे ये शास्त्र की रक्षा के लिए थे, इसमें शास्त्र की बलाबल का निर्णय करना कौन सा शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है उसकी स्थापना करना, ये व्यक्ति परक नहीं होकर के एक तरह से ज्ञान परक थे, और इन शास्त्रार्थों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद में जो तीसरा हिस्सा जो है, अंतिम हिस्सा जो है, जो शास्त्रार्थ की परंपरा है, जिसमें एक रामकृष्ण परमहंस का शास्त्रार्थ है, एक स्वामी दयानंद जी का और एक स्वामी कृपात्य जी का, तो ये जो परंपरा है महर्षि दयानंद की जो बात थी, महर्षि दयानंद जी ने 1869 में काशी में शास्त्रार्थ किया था, उन्होंने पूरे भारत में हर जगह गए, राजा शास्त्रार्थ जो कराता था राजा लोग कराते थे, तो राजा लोग जिसका समर्थन करते थे और वहाँ सब विद्वानों को इकट्ठा होना पड़ता था और शास्त्रार्थ होता था। महर्षि दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका लेकर के पूरे भारत का भ्रमण किया, और उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ बातों का खंडन कर रहा हूँ, तो उनके जो बातें हैं सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखी कि ये मेरी बातें हैं और इनका मैं खंडन करता हूँ, मूर्ति पूजा का खंडन करता हूँ, वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, वेद केवल संहिता भाग है, और विधवा विवाह और ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्मना नहीं थी। इस तरह से उन्होंने बहुत से मुद्दे रखे और पूरे देश को एक नया चिंतन दिया कि अब नव्यवाद जो उनका शुरू हुआ वो है, चूँकि वो दयानंद जी के द्वारा शुरू किया गया, और दयानंद जी ने स्वामी दयानंद ने पूरे भारत में इस प्रश्न को उठाया और शास्त्रार्थ किए। इन शास्त्रार्थों में कुछ के उत्तर दिए गए, कुछ के नहीं दिए गए, कुछ में पता नहीं लगा कौन जीता, और उस समय ये परिपाटी चली करीब से 150 वर्ष में कि बहुत से शास्त्रार्थ हुए। काशी का जो शास्त्रार्थ था वो शिव कुमार शास्त्री के साथ में हुआ, कानपुर का जो शास्त्रार्थ था वो हल्दी झा के साथ हुआ, और बहुत से शास्त्रार्थ हुए, और उनमें दोनों ही पक्ष करे कि हमने उत्तर दे दिया, और करे और दोनों अपने अपने विजय मानते थे, और दोनों ने इसलिए किताबें लिखी कि देखो हम जीत गए, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, और उनका निर्णय करना बड़ा असंभव हो गया कि किसको जीता माना जाए किसको हारा माना जाए। पर फिर लोगों से था कि ऐसे ही पार नहीं पड़ेगी, तो लिखना शुरू कर दिया कि चलो अब सबसे पहले जो है सत्यार्थ प्रकाश का खंडन लिखा जाए तो पता लगे इनको क्या है। तो सत्यार्थ प्रकाश का खंडन लिखा गया कि भाई इसकी एक एक लाइन गलत है, इसके एक एक नियम गलत है, और उन गलतों पर उन्होंने खंडन लिख दिया। दयानंद तिमिर भास्कर एक ग्रंथ है, दयानंद तिमिर भास्कर, तो वो ग्रंथ खेमराज सिकंदराज बम्बे से छपा, और उसमें दयानंद जी के समूचे बातों का उत्तर भी दिया गया और खंडन भी किया गया। दयानंद जी ने कहा कि ईश्वर नहीं है, क्यों नहीं है, कि न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नास्ति यस्य नाम महत यस, यजुर्वेद का यह मंत्र कि उसकी प्रतिमा नहीं है, तो यजुर्वेद मान रहा है कि प्रतिमा नहीं है, फिर प्रतिमा कहाँ से आई। तो
उसका उन्होंने उत्तर दिया कि ये प्रतिमा नहीं है, का ये अर्थ ये नहीं है। शास्त्रार्थ में जो शास्त्रार्थ के विद्वान होते थे उसके सही अर्थ को बताते थे, वो कहते हैं कि प्रतिमा का अर्थ यह सदृश नहीं है, ईश्वर के समान कोई नहीं है। और अगर आप ये अर्थ मान लो तो ठीक है, और आपको मैं तो नहीं मानता, मैं तो प्रतिमा का अर्थ प्रतिमा ही मानूंगा, तो मान लो। वो कहते हैं कि निषेध कब होता है, कोई भी चीज शुरू हो तो निषेध किया जाता है। अगर वेद ये कहता है कि ईश्वर की प्रतिमा नहीं है तो प्रतिमा तो सिद्ध हो गई कि प्रतिमा थी, तभी तो मना करोगे आप। वेदों में प्रतिमा थी तभी तो आप मना करोगे। इस तरह से प्रश्न में क्या होता है कि शास्त्रार्थी लोग अटका देते थे, एक ही प्रश्न में अटक जाता था और उसका उत्तर हो जाता था। तो ये इसकी बहुत से शास्त्रार्थ हैं जो बड़े रोचक हैं, और क्योंकि चूंकि समय कम है तो मैं एक एक शास्त्रार्थ को आप देखेंगे, जो मूर्ति पूजा के बारे में जयपुर का शास्त्रार्थ था, जयपुर में एक शास्त्रार्थ हुआ था, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये दयानंद जी का चित्र ले आए, और बोला ये चित्र जो है ये दयानंद जी का है या कागज का है। तो आर्य समाज ने कहा तो हम तो मूर्ति पूजा मानते नहीं, तो कागज है, कागज का चित्र है, बोलो कागज का चित्र है तो इस पर आप जूते रख दो, आप इस पर जूते रख दो। तो उन्होंने जूते रख दिए कि मैं इसको दयानंद नहीं मानता, दयानंद हमारे गुरु है, ये थोड़ी कागज है, ये तो कागज है। उसकी फिर फोटो निकाल दी उन्होंने कि देखिए इन आर्य समाज जी खुद ही अपने जो दयानंद जी के सिर पर जूता रख रहे हैं, और बड़ी बदनामी हुई, तो फिर चुप हो गए। तो इस तरह से जो मूर्ति पूजा को लेकर शास्त्रार्थ था, उन शास्त्रार्थों की पूरे भारत में हर गलियों में और हर जगह शास्त्रार्थ हुए, और उन सबका उत्तर देने की कोशिश की। और कालू राम शास्त्री जी, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी का हरिद्वार का शास्त्रार्थ, और अन्य जो विषय थे, तो हर गांव में मदन मोहन वाली जी ने शास्त्रार्थ किया था। लास्ट में जो कर्पात्र स्वामी जी थे, जो समझ लीजिए 86 में, तो उन्होंने पूरे भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा को जिंदा रखा, और उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे कि राहुल जी की गलती क्या है, ओशो की गलती क्या है, और ये काल मार्क्स की गलती क्या है। काल मार्क्स के ऊपर उन्होंने लिखा कि भी जो राम राज्य क्या है और हमारी अवधारणा क्या है। उन्होंने लोकतंत्र की, समाजतंत्र की और मार्क्सवाद की भी उन्होंने खंडन किया कि मार्क्सवाद सही नहीं कह रहा है। तो इस तरह से उन्होंने जो भी विद्वान थे, आचार्य तुलसी और उन सबसे का उन्होंने खंडन लिखने की कोशिश की कि भी ये इसका खंडन है। और ये एक परंपरा जो थी, इस परंपरा में ग्रंथ लिखे गए, एक उद्धार हुआ और एक नई बात आई कि हमने उन शास्त्रों को और भी अच्छी तरह से समझा, और ये शास्त्रार्थ की उपलब्धि रही कि शास्त्रार्थ में दयानंद जी की उपलब्धि ये रही कि दयानंद जी का शास्त्रार्थ अगर नहीं होता तो लोग वेद ही नहीं पढ़ते थे। उस समय न्याय मीमांसा वेदांत पढ़ते थे और वेद को कोई नहीं पढ़ता था। अब दयानंद जी के बाद का जो युग आया उसमें दोबारा लोगों ने वेद को पढ़ा, उन्होंने वेद क्यों लुटा दिया, तो उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शास्त्रार्थ में जो प्रश्न किए उन्होंने, उन प्रश्नों की एक बड़ी उपलब्धि हमारे सामने आती है, और लोग वेद को वापस पढ़ने लगे। नहीं, वेद के भाग को कोई पढ़ता ही नहीं था कि वेद तो काम नहीं, कलयुग चल रहा है, अब कलयुग में तो ये शास्त्र पढ़ो, न्याय पढ़ो, मीमांसा पढ़ो, वेदांत पढ़ो, और पढ़ रहे थे। तो वो मूल स्रोत से हम दूर हो गए थे, वो उनकी उपलब्धि। तो शास्त्रार्थ में बहुत सी उपलब्धियां हैं और बहुत सी बात है। अंतिम जो मैं बात करूंगा, क्योंकि वो छोटा सा शास्त्रार्थ था, वो रामकृष्ण परमहंस का है। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे, और उसके पीछे कथा है कि दक्षिणेश्वर का जो मंदिर था वो रानी रासमणि ने बनाया था, और रानी रासमणि शूद्र जाति की थी। तो वहाँ के ब्राह्मण इकट्ठे हो गए और बोले शूद्र जाति का जो मंदिर बनाएगा वो ब्राह्मण उसको प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, इसकी स्थापना नहीं करेंगे, और ऐसा धर्मशास्त्र कहता है कि शूद्र का यजन नहीं कर सकते आप। तो बड़ा विवाद हुआ, उस विवाद में रानी रासमणि बड़ी चिंता में थी कि मैंने मंदिर भी बना दिया, मंदिर तैयार हो गया, उसकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं कर रहा है, कोई पुजारी नहीं बना, क्या करूं, ब्राह्मण सब कलकत्ते के नाराज कि साहब ये नहीं होगा। उस समय रामकृष्ण परमहंस आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं करूंगा इसकी प्रतिष्ठा, और रामकृष्ण परमहंस ने उस मंदिर की प्रतिष्ठा की, और बोले उसका पुजारी मैं ही रहूंगा। रानी रासमणि की चिंता खत्म कर दी, बोले ये सब जो लोग अभी शास्त्री बन रहे हैं इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और वो समझते हैं कि मनुष्य मतलब सभी मेरे गांव में जितनी भी स्त्रियां थी उनका मैंने सबका दूध पिया, किसी जाति की हो, तो जाति और ये धर्म ये शास्त्र को लोग समझते ही नहीं है, और मैं इसकी पूजा करूंगा। रामकृष्ण परमहंस वहां प्रतिष्ठित हो गए और पूजा होने लगी, तो पंडितों को बड़ा दुख होता था कि यार इसका क्या इलाज करें। रामकृष्ण परमहंस जो है यहाँ के बैठ गए, और इसको भी कभी पछाड़े तो मजा आए, तो उन्होंने केशव चंद्र सेन को तैयार किया कि आप चलिए, और एक पत्र जैसा आपने भी आशुतोष जी दिखाया, एक पत्र भेज दिया उनको और कह दिया कि कल शास्त्रार्थ होगा, और शास्त्र का विषय में आप ईश्वर के प्रति शास्त्रार्थ होगा, ईश्वर है या नहीं ये शास्त्रार्थ होगा, और आप प्रमाण लेके आइएगा। बोले साहब मैं प्रमाण नहीं समझता, बोले प्रमाण लेके आइएगा, यहाँ प्रमाण से होगा सब काम, और सभी तर्क दिए जाएंगे और एक सभा होगी। उस सभा का जो निर्णायक होगा वो आशुतोष मुखर्जी थे। आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता थे, तो उनको निर्णायक बना दिया। तो केशव चंद्र सेन ने कहा कि मैं प्रश्न करूंगा और ईश्वर नहीं है, मैं सिद्ध करूंगा। शास्त्रार्थ में वाद विवाद का यह था कि एक आदमी क्या मानता अगला उसका खंडन करे। तो बोलो वो शास्त्रार्थ में फिर पहुंच जाते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस में से भी जाना ही पड़ेगा, अब माई का हुक्म में पहुंच गए। और शास्त्रार्थ में उन्होंने केशव चंद्र सेन ने 105 तर्क ईश्वर खंडन के लिए दिए, ईश्वर नहीं है। जैन बौद्ध सांख्य सबके तर्क इकट्ठे कर लिए, विदेशियों के तर्क इकट्ठे कर लिए, चूंकि वो ब्रह्म समाज के थे, और उन्होंने 105 तक देके कहा कि मैंने ईश्वर का खंडन कर दिया है, अब बताइए क्या करना आपको। रामकृष्ण परमहंस बड़े खुश हुए उसका खंडन सुनकर, बता गया उनको, खड़े हो गए और बोले कि अब आप अपने प्रमाण दीजिए, या उत्तर दीजिए या मान लीजिए हार। वो खड़े होते हैं और कहते हैं केशव चंद्र सेन जी आप खड़े हो जाइए और मैं भी प्रमाण देता हूँ मेरा। उनको गले लगा लिया कि मुझे मजा आ गया, मेरा प्रमाण आप खुद हो, मेरा प्रमाण कुछ नहीं है, मेरा प्रमाण तो आप ही हो। तो बोला मैं कैसे प्रमाण हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मान ही नहीं रहा, मेरे को आप कैसे प्रमाण मान रहे हो। बोले मैं ऐसे मान रहा हूँ। उन्होंने एक ऐसी बात कही और उनको हारना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि मैं कल से सोचता था प्रमाण कहाँ से लाऊं, तो मुझे प्रमाण मिल नहीं रहे थे, अब माई ने तुम्हें मुझे एक प्रमाण भेजा है, उसका नाम मतलब केशव चंद्र सेन है, वो जो भी कह रहा है वो मेरा प्रमाण है, इससे मैं ईश्वर को सिद्ध करता हूँ। कैसे करता हूँ ईश्वर को सिद्ध, कि आप एक मनुष्य हो, आप जो ब्रह्मांड को बनाने वाला है, ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला, उसको आप नहीं मान रहे हो कि वो कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है कि जिससे एक चींटी गए कि हाथी कुछ नहीं है, हाथी में क्या होता, कुछ नहीं होता है। तो आपके अपना बल तो सोचो कि आप किस आदमी को चैलेंज कर रहे हो, आप में ये जो शक्ति आई, ये इतनी ताकत कहाँ से आई कि आपने ईश्वर को चैलेंज किया, इतनी तर्क शक्ति कहाँ से आई, ये तो मेरा सबसे बड़ा चमत्कार है कि ईश्वर की ये कृपा है, आपको उसने इतनी ताकत दी और इस ताकत को मैं बड़ी ताकत मानता हूँ, ये मेरा प्रमाण है। और मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर ने एक चमत्कार किया, एक एक सामान्य आदमी में, एक छोटे से आदमी में इतना ज्ञान भर दिया कि वो ईश्वर को हरा देता है, ईश्वर को खंडित कर देता है, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा, मैं सोचता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा भाषण दिया और भाषण के बाद में यही हुआ कि केशव चंद्र सेन पैरों में गिर गए, बोले मेरी गलती हुई, मैं हार गया और मैं हार चुका हूँ और आप सही है, ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, ईश्वर श्रद्धा का विषय है और आपने इसको सिद्ध कर दिया, और इसमें रामकृष्ण परमहंस विजयी हुई। उसके बाद में एक तरह से अद्वैत वेदांत, व्यवहारिक वेदांत की जो प्रतिष्ठा थी आचार्य रामकृष्ण परमहंस की, जो ज्ञान श्रेष्ठ थे, वो सिद्ध हुई। तो जो असली ज्ञानी था वो रामकृष्ण परमहंस हुए, बाकी लोग ज्ञानी थे, वो डिग्री तो उनके पास थी, उपाधियां भी थी, पर उनको ज्ञान। इस तरह शास्त्रार्थ जो है वो बहुत से निर्णय करता है और बहुत सी जगह वो ज्ञान को स्पष्ट करता है। और मेरा समय कुछ ज्यादा हो गया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आप सब ने मुझे अवसर दिया, उस अवसर के लिए मैं आपका साधुवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, क्षमा वाली बात नहीं है, आपने हम पर कृपा की है और कई सारे आयाम, पूरा इतिहास आपने इतने संक्षिप्त समय में हमारे साथ साझा किया है और कई सारे आयाम हमारे सामने उपस्थित किए हैं जो हमारे ध्यान में नहीं थे, और शास्त्रार्थ की रुचिकर पक्ष भी आपने हमारे सामने रखे हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि शास्त्रार्थ के स्तर भी कई रहे हैं और कि कहीं पे वो बिल्कुल ही निम्न स्तर पे भी चला गया है कि वो तर्क ना होकर के कुतर्कों की ओर अग्रसर हो गया। तो ऐसे कई सारी बातें हमें देखने और सोचने समझने को मिली हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो समय सीमा का ध्यान रखते हुए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी को अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। और मेरा एक निवेदन भी रहेगा कि एक मैंने उनसे शास्त्रार्थ के विषय में, क्योंकि वो खुद भी प्रत्यक्षदर्शी कुछ एक जगह रहे हैं, होशियारपुर में शास्त्रार्थ की एक परंपरा रही है, तो उसमें से एक आध बड़ा रुचिकर प्रसंग भी रहा है जहाँ पर जिसको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी गई है और स्टेज के ऊपर कोई डंडा लेके आ गए, कुछ और इस तरह का उपद्रव खड़े हो गए, इस तरह की भी कई बातें होती रही हैं, लेकिन गंभीर शास्त्रार्थ भी होता रहा है। तो वो प्रसंग भी अगर वो बीच में हमारे साथ साझा करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं उनको इस पे आलोचनात्मक टिप्पणी और इस विषय का विस्तार करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। सम्माननीय विद्वान मित्र मंडल, अभी
श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी का वक्तव्य इस शास्त्रार्थ संस्कृत शास्त्रार्थ परंपरा को लेकर के बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत सारे मैं समझता हूँ कि ऐसे पक्षों को भी उन्होंने उद्घाटित किया है जिन पक्षों से बहुत से लोगों का कोई परिचय नहीं है। शास्त्रार्थ परंपरा के अंदर महाभारत में से जो रेफरेंस दिया है वो बड़ा ही मुझे मार्मिक लगा कि ये जो जनक और सुरभा का ये इस शास्त्रार्थ के विषय में मैं भी अवेयर नहीं था, मुझे कोई जागरूकता नहीं, लेकिन ये एक इस प्रकार का भीत कहाँ से खोज के लाना और ये उसको प्रस्तुत करना, यही विद्या का उपकार है, यही इन परंपराओं का है कि हमारे जो अज्ञात है उसको ज्ञात स्तर के ऊपर ले आना। और इसमें उन्होंने जो अपने वैदुषिका और अपनी साधक होने का जो परिचय दिया है मैं उसके लिए अभिनंदन करता हूँ। और दूसरा, मैं इसमें बोलने के बजाय इच्छा मेरी थी कि सुरेंद्र मोहन मिश्र जो है वो इस क्षेत्र में भी अपने आप किस्म के पंडित आदमी हैं, बहुत बहुत जानकारी रखते हैं, बहुत समझ भी रखते हैं और सभी वैदुष्य गुणों से संपन्न है, तो वो इसको रचते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं इसमें थोड़ा सा जिस दृष्टि से देखता हूँ उसका मैं परिचय देता हूँ आप सब विद्वानों के प्रति सम्मान की दृष्टि रखते हुए, कि हमें एक बात समझनी चाहिए कि मनुष्य का जो वास्तव में ज्ञान है, ये मनुष्य का ज्ञान उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। पशुओं में भी ज्ञान है, सप्तशति में वो कहते हैं कि ज्ञान मस्ती समस्तस्य जंतो विषय गोचर, ये लेकिन पशुओं का ज्ञान समस्या नहीं है, मनुष्य का ज्ञान जो है ये बड़ा समस्या पूर्वक, अगर ना हो तो मुश्किल, जो अज्ञानी है तो भयंकर और ज्ञानी होकर के और भयंकर बन जाता है, तो उसका जो अंकुश है उसके ज्ञान को मर्यादित करने वाली कोई चीज अगर है तो वो शास्त्र है। इसलिए शास्त्र का पहले अभिप्राय हमें संक्षेप में समझ लेना चाहिए कि शास्त्र जो है वो एक तरह का मनुष्य के जो ज्ञान के विविध आयाम है उन आयामों को मर्यादित करना, उसको रूपायित करना, उनको एक दिशा देना, विधायक दिशा देना, ये शास्त्र का काम रहा। और ये शास्त्र की परंपरा इस देश में बहुत पहले से प्रारंभ हो गई। उस समय शास्त्रार्थ का शास्त्रार्थ के माने शास्त्र का अर्थ है या शास्त्र के लिए शास्त्र की रक्षा के लिए भी जो प्रयास होता है वो शास्त्र की रक्षा के लिए प्रयास इसलिए करना पड़ता है कि शास्त्र सदा ही किसी अर्थपूर्ण, किसी उसमें ऐसी जो बड़ी सार्थक दिशा होती है उसकी वो संकेत हमेशा करता है। इसलिए कहा जाता है कि शास्त्र जिसके पास नहीं है वो मनुष्य क्या करेगा, ये शास्त्र जो है ये तीसरी आँख है, विद्वान की जो तीसरी आँख है, यस्ति नास्त्यं देवसा सर्वस्य लोचनं शास्त्रम्, ये शास्त्र जो है ये सबकी आँख है, ये शास्त्र रूपी आँख जिसके पास नहीं है वो अंध है, ये वसा है। वो आदमी देखना जानता ही नहीं, वो समझना नहीं जानता। तो तीन स्थितियों के ऊपर राजेंद्र जी ने भी उसका ऐतिहासिक क्रम में एक तरह का
थोड़े से समय में किया है उद्घाटन, तो उसको अगर आप देखें तो पहले जो तो शास्त्रार्थ था जिसे हम वाद कथा यहाँ कहा जाता है, वाद का अर्थ स्वमत स्थापन करने के लिए वाद का प्रयोग होता है। जैसे गुरु और शिष्य ये प्रश्नोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद के अंदर छह ऋषि जो है वो पिप्पलाद ऋषि के पास प्रश्न लेके जाते हैं और वो प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का वो उत्तर देते हैं, और वो उत्तर जो भी देते हैं उन सबका अपना अपना भिन्न प्रश्न है, भिन्न प्रश्नों के भिन्न भिन्न उत्तर देते हैं, और आखिर में वो उठ करके कहते हैं कि ये जो हमें समझ में आई बात हमने ये समझ ली, अब हम सिर्फ यही प्रार्थना करते हो तम ही न पिता यो स्मातम अभिज्ञाय परम पारम तारे, बस ये कह करके वो सब लोग उठ जाते हैं। तो ये शास्त्र का अर्थ शास्त्र के मर्म को जानने के लिए शास्त्रार्थ होता था। वाद से स्वमत स्थापन का मतलब ये था कि मुझे जो समझ में आया वो मैं आपको बता रहा हूं, और कैसे मुझे समझ में आया है उसका विस्तार से मैं तुम्हारे में उसको अवतरित कर सकता हूँ। प्राचीन ऋषियों ने दूसरे जो उत्तरवर्ती ऋषि थे जिसका बारे में शास्त्र के अंदर ये कहा जाता है कि प्रथमा प्रतिभानेन, पहले ऋषि जो थे उनमें तो प्रातिभ ज्ञान था, द्वितीयास्तु उपदेशता, दूसरी कैंडेगरी जो ऋषि थे वो दूसरी कैटेगरी के ऋषियों में उपदेश से वो ज्ञान चला गया, अभ्यास ने तृतीयास्तु वेदार्थम प्रतिपेदिरे, और तीसरे लोग जो थे वो वेदार्थ को उन्होंने अभ्यास से प्राप्त किया। अब ये तीनों स्थितियां शास्त्र के अर्थ को जानने के लिए, शास्त्र के अर्थ को विकृत किया जाता है। मैंने शुरू में कहा था कि मनुष्य का ज्ञान बड़ा खतरनाक ज्ञान है, ये जिसके पास जब आता है तो बहुत से लोगों में ये परवर्शन लाने का प्रयास होता है। जैसे नास्तिक लोगों के ही संप्रदायों का जब जिक्र आता है तो उसमें सभी लोग पुत्रात्मवादी जो है वो भी वेद को प्रमाण मान के चल रहे हैं, देहात्मवादी जो है वो भी उसको मान के चल रहे हैं, अन्नात्मवादी जो है वो भी उसको ये बात कह के चल रहे हैं कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्न ही ब्रह्म है, उसमें प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, प्राण ही ब्रह्म। ये सारे लोग जो थे वो उसमें, और ये परंपरा अब तक चली आ रही है कि शास्त्र के अर्थ को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करना। एक है शास्त्र के अनुसार स्वयं को ढालना, शास्त्र का जो अर्थ है वो गुरु उसका उद्घाटन करता है, उसके लिए प्रक्रिया बताई गई है, द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, यही शास्त्र का प्रयोजन था। ये शास्त्र का प्रयोजन शास्त्र क्या था, श्रोतव्य श्रुति वाक्यश्च मंतव्य स्टोपत्ति भी मत्वाच सततम ध्येय दर्शन हेतव, ये दर्शन जो था हमारा धर्म साक्षात्कार जिसको हम कहते हैं, ये साक्षात्कार शब्द जो है वो अब दर्शन का वाचक है। धर्म साक्षात साक्षात्कृत धर्माणा में जब हम देखते हैं ना तो साक्षात्कार शब्द जो है ये दर्शन का वाचक है, और धर्माणा धर्म उसके अंदर जो भी तत्व है वो तत्व मीमांसा जो है वो सारी की सारी धर्म ही धर्म पर रखी। इसलिए ये जो शास्त्र की परंपरा चली उसमें बाद में ये फिर परिभाषित समय समय पर उसको, क्योंकि विकृतियां आती हैं और फिर शास्त्र की रक्षा का प्रश्न आता है। शास्त्र की रक्षा का जो ध्येय है, दायित्व जो है वो समय पर प्रत्येक समय के विद्वान के ऊपर, विद्वत परंपरा के ऊपर होता है। आज भी आपके ऊपर ये दायित्व है कि उस दायित्व को, शास्त्र की रक्षा के विकृतार्थ को लोग विकृत ना करें, उसके प्रकृतार्थ को विस्मृत ना कर दें, उसकी रक्षा का ये दायित्व। इसलिए वो जिसे शास्त्र चिंता कहा जाता है कहा शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शास्त्र चिंता प्रवर्तते, शास्त्र की चिंता ऐसा कि वो अगर शस्त्र से रक्षित नहीं है, अगर ब्राह्मण भय में जीता है तो भय में व्याख्या कुछ और ही कर देगा,
उसके अंदर मैंने जैसे एक आपको बताता हूँ कि बड़े पंडित थे और हमारे वो पंचायत के बड़े माने हुए पंडित थे, तो सुबह प्रातः काल पाठ कर रहे थे, तो बार बार पाठ करके अपने स्नान करके और उसमें और धोती बांधते समय पाठ कर रहे थे कि ऊपर मैं छत पर बैठा हुआ था, नीचे दूसरा विद्यार्थी पढ़ रहा था, तो पढ़ रहे थे कि सर्वे पहंतु सुखिने सर्वे संतु नराधवा सर्वे भद्राणी पश्यंतु। वो जैसे हमने सुना कि सर्वे संतु नराधवा, तो हमारे कान खड़े हो गए कि अरे ये पंडित जी क्या पढ़ रहे हैं। तो अब वो जो दूसरा विद्यार्थी था उसने कह लिया कि पंडित जी ये क्या कर रहे हैं आप, सर्वे संतु नराधमा ही पढ़ी जा रहे हैं आप। वो पंडित जी जो थे वो बिल्कुल डंडा लेके खड़े हो गए कि सर हमने ऐसे ही सीखा, तुम कौन हो हमें ऐसा बताने वाले। तो अब मैं ऊपर बैठा हंसू और मैंने उसको समझाया भी कि तुम मत इन पंडित जी को मत छेड़ो, ये जो पढ़ रहे हैं इनको पढ़ने दो। उससे रहा नहीं गया और उसने कह दिया कि देखिए, और इतनी बड़ी गाली उसको दे के पंडित जी ने उसको टुटकारा। फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, निरामया पाठ है, निराधमा पाठ नहीं है। अब छंद भी ठीक है, लय भी ठीक है, निराधमा तो कह दें, लेकिन आप प्रातः काल उठ करके ब्राह्मण के मुख से अगर निराधमा सुनोगे कि सर्वे संतु निराधमा, तो ये शास्त्र कहाँ जाएगा, ब्राह्मण ही शास्त्र का हत्यारा बन जाएगा। ब्राह्मण के मुख से शास्त्र की हत्या ना हो। शास्त्र वो विद्या है, शास्त्र वो है जिस जो हमारी चेतना के ऊपर, जिसने हमें जन्म से लेके प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा पुंसाम जिनोपदिश्यते, कैसे चलना है, ये प्रवृत्ति कैसे हो, लोक प्रवर्तन कैसे हो, प्रवृत्ति कैसे हो और किन कर्मों को नहीं करना है, निवृत्ति कैसे हो, उनसे निषिद्ध क्या हो, योग ने जिनको यम और नियम कह दिया है, ऐसी ये पुंसाम जिनोपदिश्यते तत्शास्त्र में क्यों। अब वो शास्त्र का लक्षण कर दिया कि प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नियमेन कृतकेन वा, नियम पूर्वक या कृतक पूर्वक किसी भी प्रकार से जो शास्त्र उपदेश करता है, तो शास्त्र के प्रति हमारा लगाव उस तरह का लगाव नहीं है जैसे सेमेटिक नेशंस का है। यहाँ लगाव ओपन किस्म का है, एक मुक्त किस्म का लगाव, इसे रागादि दोष रहितम, रागादि दोष से नहीं है, ये ज्ञान पूर्वक है, बोध पूर्वक है और परीक्षा पूर्वक है। तो इसलिए उस शास्त्र की रक्षा करने के लिए शास्त्रार्थ की परंपरा कैसे आगे बढ़ी, इसका बहुत सुंदर निदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। और उसमें देखिए कि प्रारंभ में बात जो था वो संभवतः वो स्वमत स्थापन, ज्ञान की वृद्धि शास्त्रार्थ से होती है। शास्त्रार्थ का कैसे होगा, मंतव्य श्रोतव्य श्रुति वाक्य मंतव्य श्रोपत्ति, और उसमें गुरु अपेक्षित है, आचार्य अपेक्षित है, आचार्यवान पुरुषो वेद, श्रद्धावान पुरुषो वेद, नहीं है तो नहीं ज्ञान होगा, नहीं समझ में आएगी। तो शास्त्र का वो वाद के लिए हमारा एक समय था ऐतिहासिक। फिर आया दूसरा जल्प जो है वो परमत खंडन द्वारा स्वमत स्थापन तक चला जाता है। कि परमत खंडन क्योंकि दूसरों के आक्षेप आपके ऊपर आने शुरू हो गए कि नहीं ये क्रिश्चियन थे हमारे होशियारपुर में, हम विद्यार्थी थे, वो नित्य प्रति प्रवचन करते थे कि तुम्हारे कृष्ण क्या रक्षा करेंगे और तुम्हारे राम क्या रक्षा करेंगे, वो बाण से मारे गए, इससे मारे गए, उसमें मारे गए। तो ये एक आपको मैं शास्त्रार्थ का जो भेद किए गए हैं उसमें से एक पक्ष अपने जीवन से सुना रहा हूँ कि वो कहते हैं कि सात्विकम तामसम तेव, शास्त्र जो है वो तीन तरह का है, सात्विक है, राजस है और तामस है। तो सात्विक उनमें से कौन सा है और राजस कौन सा है और तामस कौन सा है, तो वो शास्त्र में वो नित्य ऐसे उसमें प्रवचन करते थे, तो हम लोगों को बुरा लगता था कि ये हमारे ही उसमें मध्य में आकर के ये कैसी निंदा करते हो। तो एक हमारे
पंडित जी हमारे से जो सीनियर थे, तकड़े थे, वो हमें साथ लेकर के चर्च में चले गए और वहाँ बात हुई। वहाँ पर सब लोगों, संडे का दिन था और सब चर्च में लोग इकट्ठे हो गए। वो पंडित मदन मोहन जी उन्होंने कहा कि ये हम आए हैं हमारे साथ शास्त्रार्थ करने। वो उनका नाम भी मुझे याद है, क्रिश्चियन थे, वो भी आ गए। वो संस्कृत को भी जानते थे, पढ़ा था कि मैंने सांख्य भी पढ़ा है, अरे योग भी पढ़ा है मैंने, ये बहन का। उन्होंने कहा हमें एक प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम देखते हो कि तुम्हारी आंख देखती है? अब इस बात को लेकर के वहां पर अब ये है कि तुम देखते हो कि तुम्हारी आंख देखती है। अब ये पंडित जी ने प्रश्न उसके फादर चर्च किया में रख दिया। इसके बाद निर्णय होगा कि तुम्हारा ईश्वर ठीक है कि हमारा ईश्वर ठीक है। तो वो झमेला पड़ गया इसमें कि तुम देखते हो कि तुम्हारी आंख देखती है। अब वो कहे कि आंख देखती है तो कहे पंडित जी कहें कि नहीं तो आंख को अलग करके देखो, तो कहा कि नहीं तो मैं देखता हूं, तो कहें कि नहीं फिर बिना आंख के देखो। तो वो ऐसी उसमें कांटेदार ऐसा आर्गूमेंट बना लिया कि उसके साथ की झगड़ा करना है हमें, तो झगड़े के लिए भी शास्त्रार्थ होने लगे। इसको लोग ये लोअर लेवल के ऊपर, टाउन्स लेवल के ऊपर जो एंटरटेन करते हैं इस तरह से आक्षेप करके दूसरों की श्रद्धा के ऊपर उस प्रकार का, ये शास्त्रार्थ का प्रपोज नहीं था। लेकिन ये शास्त्रार्थ इस लेवल पर आ गया क्योंकि जब अपने लोगों के बीच में ये तत्व विद्या के लिए जो शास्त्रार्थ होता था वो दूसरे लोगों के से रक्षा करने के लिए होती, क्योंकि आक्षेप जो हुआ वो क्रिश्चियनिटी से जब आक्षेप आने लगे, इस्लाम से आक्षेप आने लगे, तो उस समय शास्त्रार्थों की दिशा बदल गई। वो उसमें परमत खंडन जो था वो प्रबल हो गया, समत मंडन जो था वो दूसरे नंबर पर, वो आगे पीछे हो गया, गौण गुण प्रधान प्रधान भाग हो गया। इसलिए वहां पर स्थिति बदल जाती है। इसलिए ये जो एक धरातल है शास्त्रार्थ, जिसे हम आज शास्त्रार्थ परंपरा समझते हैं, ये इससे सांप्रदायिक शास्त्रार्थों की परंपरा भी चल पड़ी। अब उसके बीच में ये भगवती चरण वर्मा के एक उपन्यास, उसके अंदर एक शास्त्रार्थ का वर्णन है, उसमें भूले बिसरे दिन शायद उसके अंदर उपन्यास में शास्त्रार्थ की चर्चा की है। ये एक आर्य समाजी स्वामी जटिलानंद और दूसरे और ओबामा एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनके बीच में शास्त्रार्थ, लेकिन उसमें जज जो है वो एक क्रिश्चियन जज है, वो हाई कोर्ट का जज है वो उसमें, तो दोनों को वो आपस में कैसे लड़ाते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं, ये एक परवर्शन जो थी शास्त्रार्थ की परंपरा में। ये परवर्शन जो आई ये आई बाहर से, लेकिन मूलतः शास्त्रार्थ की हमारी जो भारतीय परंपरा रही उसका प्रयोजन जो था वो ज्ञानवर्धन, वो वादार्थम, वो वाद के लिए था, वो समत, क्योंकि जो अपने स्व को नहीं जानता है, ऐसा हमारी अवधारणा जन्म से बनती है कि जो स्वयं को नहीं जानता है, जो स्व को नहीं जानता है, वो सारे ब्रह्मांड को भी जान ले तो उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे हम। वो ज्ञानी वही है जो स्व को जानता है, आत्मानम न वेद, जो आत्म को नहीं जानता है वो कुछ नहीं जानता, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए शास्त्र जो था ये परंपरा वैदिक काल से जो चली आचार्य शंकर के माध्यम से आई, अब वहां पर एक स्तर बनता है कि दो विद्वान बैठे हैं आचार्य शंकर और मंडल मिश्र, और बीच में वो कहते हैं कि किसको न्यायाधीश किसको बनाया जाए, कि मंडल की पत्नी को ही बनाया जाए। मंडल की पत्नी एक और आप देखिए पत्नी का धर्म, और दूसरा उसकी तटस्थता, निरपेक्षता। शास्त्रार्थ में जजमेंट के लिए जो निरपेक्षता का अद्भुत उदाहरण अगर मैं देखना हूं तो मैं भारती में देखता हूं कि शंकर और मंडल के बीच में पति के पक्ष में चली जाए तो बड़ा सहज है,
या शंकर के पक्ष में चली जाए तो नहीं, बीच में, और दोनों विद्वानों की गरिमा कितनी है कि दोनों विद्वानों ने उसको न्याय करने, न्यायकर्ता के रूप में उन्होंने दोनों ने उसको स्वीकार किया, और वो भारती उनसे 28वें दिन जाके वो कहती हैं कि नहीं, दोनों के ही आर्गुमेंट बड़े बराबर के चल रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ डिब्बे का प्रयोग करना पड़ेगा, और डिब्बे का प्रयोग करती हैं कि दोनों के गले में पुष्पमाला उनको दे देती हैं कि आप अपने अपने गले में डाल लीजिए शास्त्रार्थ में, और उसके बीच में जिसकी माला पहले उसमें हो जाएगी उसको वो अपने आप स्वतः समझेगा कि भाई, और मंडन मिश्र जी की माला जो है पुष्पमाला वो उसमें मिलान हो जाती है। तो लेकिन वो दोनों विद्वान, मंडन का जब आचार्य शंकर घर पूछते हैं कि कहाँ पर है, तो वो कहते हैं कि स्वत प्रमाणम परत प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंथ, यहाँ पक्षी भी शास्त्रार्थ कर रहे हैं कि वेद स्वत प्रमाण है कि परत प्रमाण है, ऐसा जो है वो मंडन मिश्र का घर है कि जहाँ पर जहाँ का पक्षी, पक्षी मां कहने का कि जहाँ की ईंटें भी, जहाँ का एटमोसफियर, जहाँ का स्ट्रक्चर मात्र, वो भी यहाँ पर उस तत्व विद्या की चर्चा करता है। तो ऐसे लोगों के बीच में जो शास्त्रार्थ होता है, तो भारती ने उनको कहा कि शंकर ने एक बात आपकी मान ली, लेकिन ये जिस स्त्री को माया माया करके आप कह रहे हैं, इस उसके माया वित्त को आप अनुभव के बिना ही उसका खंडन करो, तो उसके लिए लंबी दौड़ वो प्रक्रिया एक अलग होगी, शास्त्रार्थ से भिन्न चली जाती है हमारी। लेकिन ये दोनों विद्वानों का और आचार्य कुमारी भट्ट का कि स्वयं अपने आप को आत्मदहन को स्वीकार किया तुषाग्नि के ऊपर, इसलिए कि मैंने यदि वेदा सत्यास्यु, वेदों के प्रति मैंने यदि शब्द का प्रयोग करने का कारण हुआ कि मेरी एक आंख फूट गई, ऊपर जो उनको धक्का दे दिया गया तो नीचे गिरे तो आंख फूट गई, तो उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारी, अगर तुम्हारा वेद सत्य था तो तुम्हारी आंख तो फूटी ना, उन्होंने कहा कि नहीं, वो यदि लगाने से आंख फूट गई है, अगर यदि का प्रयोग न करता तो शायद ये संभावना ही नहीं थी। तो उस समय एक ऐसी हमारे सामने शास्त्रार्थ परंपरा थी जिससे ज्ञान में बड़ा संवर्धन हुआ। बौद्धों के साथ 1000 वर्ष तक हमारे न्यायिकों का, वेदांतियों का 1100-1200 वर्ष तक का जो संघर्ष, उसमें से अद्भुत ज्ञान राशि का उदय हुआ। वो शास्त्रार्थ परंपरा में वो केवल स्वमत खंडन, परमत खंडन, आक्षेप उपक्षेप ही नहीं थे, अधिक से अधिक तत्व को गहन रूप में, अधिक से अधिक कौन अधिक गहरे में उतर सकता है, और अधिक कौन उतर सकता है, और उससे भी अधिक गहरे में उतर गए। एक आचार्य आया तो उसने दूसरे का, दूसरा आया तो उसने तीसरे का, चौथे का। ये शास्त्रार्थ परंपरा इस देश की जो मौलिक रूप में शास्त्रार्थ परंपरा रही है हमारी, उस शास्त्रार्थ की परंपरा में ये इस तरह का तमस का भाव नहीं था। ये तमस का भाव आया कि पहले तो, और स्वामी दयानंद शास्त्रार्थ करते थे, तो पहला तो प्रश्न आया, संकट ये था कि सबसे बड़ा कि हिंदुओं के ऊपर आक्षेप, जो क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियनिटी का आक्षेप बराबर, उसमें कलकत्ता से वो आते थे लोग और उस तरह से आक्षेप करते थे कि अरे कुछ नहीं है यहाँ पर, उसमें वेदार्थ, ये जो वेद है, वेद वेद के सब लोग वेद वेद करते फिरते हैं, मैंने ये अनुवाद करवा दिया है सारे वेद का, और अंग्रेजी में इस अनुवाद को पढ़ करके सब लोग समझ आएंगे कि वेद कुछ एक कौड़ी की चीज नहीं है। अब स्वामी दयानंद के आगे चैलेंज यह था कि जिस संहिता को ये बिल्कुल इस प्रकार से, तो उसके लिए शास्त्रार्थ करना, शास्त्र की रक्षा करना, वेद की रक्षा का प्रश्न जो था वो बड़ा मुख्य प्रश्न बन गया था। इसी तरह से अध्यात्म की रक्षा का प्रश्न करने के लिए, जैसे आपने रामकृष्ण परमहंस के उदाहरण दिए, कुछ और आप उसमें दिए हैं, वो सभी के सभी एक अपेक्षित थे उस समय के। मैं समझता हूँ कि ये शास्त्रार्थ परंपरा का जो आधुनिक स्वरूप है
और अत्याधुनिक जो स्वरूप है, ये न तो समत मंडन के लिए है, न परमत खंडन द्वारा स्वमत स्थापन, क्योंकि स्वमत में ही हम भूल गए हमारा अपना दृष्टिकोण क्या है। हमारी शिक्षा नीति ने हमें हमसे वो भी छीन कर दिया, हमसे छीन लिया वो। इसलिए स्वमत की ओर अग्रसर होने के लिए ये आज परमत खंडन करना पड़ता है, और वो परमत खंडन जो है उसके लिए भी बहुत युक्तियाँ, वो एक उसी तरह से युक्तियाँ हैं, शस्त्र न रक्षते राष्ट्रीय शास्त्र चिंता प्रवर्तते, कि तर्क प्रस्थान जो है वो उसका रक्षा प्रस्थान है, वो रक्षा करने के लिए है। तर्क प्रस्थान जो है रक्षा के लिए है, लेकिन श्रुति प्रस्थान जो है वो अनुभव के लिए है, अनुभव को जीवित रखने के लिए, और आचार प्रस्थान जो है वो उस अनुभव को ठीक तरीके से सही ईमानदारी के साथ उसको जीना सीखें, और जीना सीखेंगे तो फिर हम रक्षा भी कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो शास्त्रार्थ परंपरा, याज्ञवल्क गार्गी का शास्त्रार्थ होता है, या अन्य शास्त्रार्थ होते थे, या राजा जनक के, प्रवाहनी पांचाल के, और अश्वपति के, अश्वपति जो हमेशा ये घोषणा करते थे, नमस्ते नो जनपदे नकदर्जो नमद्यपा नाना हिताग्नि ना विद्वान न स्वैरी स्वरणी होता है। इस प्रकार से गार्गी जो है अजात शत्रु के पास जाते हैं, अजात शत्रु उनको बराबर कहते हैं कि अरे नहीं 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 बंद करो, ये मुझे नहीं, ये मैं जानता हूँ इसको। उसने कहा मैंने सूर्य विज्ञान को पूरी तरह से प्राप्त किया है, मैं वो बताता हूँ। नहीं 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 ये मैं जानता हूँ, आगे और चलो आगे। और जब कहा कि नहीं, तो स्वयं राधा कहते हैं प्रतिलोमम चैतत्, अरे ये उल्टी बात है कि क्षत्रिय ब्राह्मण को शिष्य बनाए उसको कहे। लेकिन गार्गी सीखने के लिए तैयार हैं, और वो इस परंपरा को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा है, इसको आप प्रतिलोम मत समझिए, इसके आगे का ज्ञान आप दीजिए। इसलिए शास्त्रार्थ जो है वो शास्त्र के लिए, और शास्त्र को, शास्त्र जो है वो यस्य निश्वसितम वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। शास्त्र हमारी दृष्टि में कोई किताब नहीं है, निजी किताब नहीं है, मनुष्य की चेतना का एक आविर्भाव, उस महेश्वर के निश्वासों का, महेश्वर के निश्वासों से जो मंत्र निकले हैं वो यस्य निश्वसितम वेदा जो वेदेभ्योऽखिलं जगत्, और वेद से जगत का निर्माण हुआ, शास्त्र के अनुसार जगत का निर्माण हुआ। इसलिए शास्त्र को उस संकुचित अर्थ के अंदर न लेकर के हम उसका जो वास्तविक, हमारे पूर्व ऋषियों में, महात्माओं में, साधकों ने, चिंतकों ने जिस रूप में लिया, उस रूप में शास्त्रार्थ को उस दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। इस संकल्पना के साथ मैं आपके इस कार्यक्रम के लिए आपको बधाई देता हूँ, और राजेश्वर जी का, सुरेंद्र जी का, और आप सभी विद्वानों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रमाकांत जी। आपने जिस तरह से इसके व्यापक विषय को प्रस्तुत किया है, और इसकी चेतना की, शास्त्रार्थ की जो चेतना रही है, अंतर्धारा रही है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वो वाकई प्रशंसनीय है, और वो पता भी होनी चाहिए कि तत्व ज्ञान के लिए शास्त्रार्थ एक पक्ष है, और केवल दूसरे के मत का खंडन करना वो एक अन्य ही मार्ग है। लेकिन वर्तमान काल में शास्त्रार्थ की प्रासंगिकता ये भी एक पक्ष, अनिवार्य पक्ष है, क्योंकि आज शास्त्रार्थ करना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि जब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें आई हैं, मीडिया की डिबेट सामने आ गई हैं, तो वहाँ पर शास्त्रार्थ की तो कोई सीमा रही नहीं, और बल्कि मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि वो सारे के सारा जो शास्त्रार्थ होता है, डिबेट्स होती हैं, वो सारी की सारी असंगत होती हैं। प्रश्न कुछ होता है, उत्तर कुछ होता है, प्रत्युत्तर देने वाला कुछ और ही बोल रहा होता है। तो ये जो विखंडन ज्ञान प्रक्रिया में आ रहा है, इसको करेक्ट करने के लिए मुझे लगता है एक बार शास्त्रार्थ का कोई ना कोई एक शॉर्ट टर्म कोर्स अगर कोई
विद्वान करवा सकें कि शास्त्रार्थ कैसे करना है, किस तरह से विचार प्रस्तुत करना है, किस तरह से उसको प्रमाणित करना है, किस तरह से तर्क करना है, इसका एक शॉर्ट टर्म कोर्स, चाहे एक हफ्ते का ही हो, 4 दिन का हो, वो मुझे लगता है कि आवश्यक है। लेकिन अपनी बात मैं यही रोकते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी, आदरणीय सर्व शास्त्र विशारद हैं वो, और उनको सुनना और जितनी उनके उस ज्ञान शास्त्र उनको कंठाग्र है वो अपने आप में अद्भुत है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात रखें, और उसके बाद जो भी आपने से कुछ प्रश्न करना चाहें, कुछ टिप्पणी करना चाहें, किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई विचार साझा करना चाहते हैं तो अवश्य करें, तो अच्छा लगेगा। तो डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी के बाद। जी सर, मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, आचार्य अंगिरस्थी, आदरणीय आचार्य राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, हमारे अत्यंत प्रिय सहृदय आचार्य आशुतोष जी, अन्य सभी उपस्थित विद्वान विदुषियों और श्रोताओं, मैं तो बालक हूँ, मैं इन दोनों व्याख्यानों से बहुत ही लाभान्वित हुआ। ऐतिहासिक संदर्भ में वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल पर्यंत बहुत सारे जो प्रमुख शास्त्रार्थ हुए उनका विवरण आचार्य शर्मा जी ने प्रस्तुत किया अपने मुख्य वक्ता के रूप में। बहुत ही हृदय है, मनोज्ञ है, उन सभी महापुरुषों का नाम सामने आ गया जिनसे भारत की संस्कृति सुरक्षित है, धर्म व्यवस्था सुरक्षित है। और आचार्य अंगिरस जी ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में उस, जैसे कि आज तो चिन्ह भी बताया, वह चेतना, जो चेतना है, जो मर्म है, वो जो लक्ष्य है, वो जो ध्येय और अभिधेय है, उसको किस प्रकार से वही लक्ष्य रहा। और मुझे तो यहाँ सुनते सुनते मुझे ध्यान आ रहा था व्यक्ति का ये सोलोमन, जिन्होंने इंडियन डायलेक्टिक्स पर बहुत अच्छा कार्य किया था, बहुत पूर्व, अब तो नहीं है, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में संस्कृत विभाग की हेड हुआ करती थी, ये सोलोमन जो पारसी महिला थी और भारतीय शास्त्र में निष्णात, मद्रास यूनिवर्सिटी में डायलॉग और डायलेक्टिक्स इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सेमिनार हुआ था, उसमें जा नहीं पाया था। बाद में उसके कुछ नोट्स देखे थे, जो समरीज देखे थे, और आज इस जो वक्तव्य है, जो वेबिनार है, उससे उस संदर्भ को मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं अगर जाता तो कुछ बातें मैं वहाँ पर साझा करता, वो नहीं हो पाया था। क्योंकि जो डायलॉग और डायलेक्टिक्स है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और कोई भी भाषा है, कोई भी वाक्य विन्यास, वो डायलॉजिकल होता है। जो मोनोलॉग्स हैं वो भी डायलॉजिकल होते हैं, क्योंकि उद्देश्य और विधेय जब होते हैं वाक्य में, तो उसको डायलॉजिकलिटी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो वो जो डायलॉजिकल है, उसमें एक संवाद धर्मिता हर वाक्य के अंदर छिपा हुआ है। वो संवाद धर्मिता को अगर हम ग्रहण करते हैं, तो संवाद कैसा हो, हमारे तो ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में संवाद की बात कहा गया है, संबदध्वम, संबदध्वम ये परम तत्व है, विश्व संदर्भ में आज भी आवश्यक है, हमारे पार्लियामेंट असेंबली आदि में तो अपेक्षित हैं ही। पार्लियामेंट और असेंबली आदि में जो बहस होते हैं, उनमें छल जाति वितंडा का बहुत प्रयोग होता है, छल जाति निग्रह स्थानों का प्रयोग होता है। निग्रह स्थानों के अंदर तो हित्वावास भी आ जाते हैं, परंतु उन तत्वों को उभारने वाले वहां पर नहीं है, क्योंकि आज शास्त्र उस ढंग से सांस नहीं ले रहा है। अभी अभी हमारे जो कुलपति हैं बरखेड़ी जी, उन्होंने
संस्कृति की एक न्यायाधीश अभी जुड़े सुप्रीम कोर्ट में, तो न्याय शास्त्री भी हैं साथ में। मुझे स्मरण आ रहा था पीवी गजेंद्र गढ़कर जी का और बहुत सारे आथाल्य का, बोदास का, जो न्यायशास्त्री होते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस हुआ करते थे। क्योंकि शास्त्र की जो व्यवस्था है, शास्त्र के अंदर जो श्रद्धा है, जो संयम है, वो संयम हमें ये सभी शास्त्रार्थ में देखने को मिलते हैं। परंतु भक्त लोग होते हैं, अगर तीन तीन शंकर दिग्विजय हैं और जैसे दयानंद दिग्विजय की बात की गई है, उन सब में बातें अलग हो जाती हैं। मुझे यहाँ सुनते हुए शास्त्रार्थ शब्द के तीन समास ध्यान में आए, जो कभी मैंने सोचा नहीं था। एक तो सान्यतः षष्ठी समास है, शास्त्रस्य अर्थः शास्त्रार्थः। एक मध्यपदी रूप जो भी समास में करना चाहूँगा कि जो है शास्त्र सिद्धः या शास्त्र साध्यः अर्थः शास्त्रार्थः। एक होगा शास्त्रस्य शास्त्राणां वा, जो है अर्थः अर्थः वा यस्मिन् च शास्त्रार्थः बहुव्रीहि समास। और शास्त्रार्थ वस्तुतः बहुव्रीहि होता है, तो उसके अंदर बहुत कुछ मिलता है। शास्त्रार्थ से दोनों पक्ष, अथवा जहाँ मल्टीपल साइड्स होते हैं, कई पक्ष होते हैं, उनमें भी शास्त्रार्थ होता है। कभी कभी दो पक्ष होते हैं, उनमें भी शास्त्रार्थ होता है। एक इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट डायलेक्टिक्स है, IBD, दलाई लामा के स्थान में मैक्रोडगंज में, जहाँ कुछ दिन में ठहरा था परिवार के साथ में, वहाँ बगीचे में जाकर के शास्त्रार्थ की प्रक्रिया को मैंने देखा, जो तिब्बती में हुआ करता था। मुझे दुर्भाग्यतः तिब्बती आती नहीं, और वहाँ जो शास्त्रार्थ मैंने देखा वो पहले कई भागों में विभक्त हो जाते हैं, तो करके वहाँ दो दो तीन तीन उनके अंदर बात चलता है। शनि शनि वो बाद हुए छोटे छोटे ग्रुप्स में से चौथे चौथे हो जाते हैं, 1/4, 1/4। आगे फिर वो आधा आधा हो जाते हैं, आधा आधा के बीच में बाद चलता है, फिर अंत में वो एक निर्णय पर पहुंचते हैं। मुझे वहाँ पर न्यायशास्त्र का दर्शन होता है। और जो न्यायशास्त्र जो प्रमुखतः वाद शास्त्र है, उनमें 14 पदार्थ जो हैं वो वाद के लिए प्रयुक्त हैं। 14 पदार्थ वाद के लिए, 2 पदार्थ प्रमाण और प्रमेय को छोड़ करके, जो संशय से लेकर उद्धस्थान पर्यंत, ये 14 पदार्थ न्याय शास्त्र को वाद शास्त्र के रूप में स्थापित करते हैं। और इसी बात की दिग्नाग एरा में न्याय शास्त्र ही सबके लिए समान था, प्रारंभिक बौद्धों के लिए। दिग्नाग से लेकर के उसको पृथक किया गया, और वो जो है अत्यंत विरोधी तर्कों को लाकर उपस्थापित करके उनका खंडन किया। इसका हमारे जो दो ढाई साल हमारे विश्वविद्यालय में थे धर्मेंद्रनाथ शास्त्री जी, वो जो है अपने पुस्तक क्रिटिक ऑफ इंडियन रियलिज्म, इसमें जो अभी प्रोफेसर आंगिरस जी बता रहे थे कि 1000 वर्ष का अथवा जो है 1200 वर्षों का बाद उसको वहाँ पर स्थापित करते हैं, कि जो हिंदू लॉजिक है और जो हिंदुओं से पृथक अपने को मानते थे उस समय बुद्धिस्ट लॉजिक, तो ये दोनों के बीच में जो वाद है वो रवि कीर्ति, भारवि कीर्ति, विमल कीर्ति, यहाँ तक यानी 12वीं सदी तक यह तर्क चलता है। और 12वीं सदी में लगभग जो है ये लोग बाहर निकल जाते हैं, यानी आचार्य अभिनव गुप्त के समय में ये एक कुमार जीव हुए हैं, और उनके माध्यम से ये जो है तिब्बत और चाइना उनके माध्यम से निकल जाते हैं। फिर उनके जो तर्की लोग हैं वो निकल जाते हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं वो रह जाते हैं। फिर हम उस बुद्ध को जो है 10 अवतार में गिन लेते हैं, आदि आदि बातें भी घटित होती हैं। ये बहुत चुपचाप सारी घटनाएं घटित होती हैं। आज भी यह संशय के घेरे में है कि बुद्ध एक है अथवा दो है, यह 10 अवतार का बुद्ध वही है अथवा भिन्न है। भविष्य प्राण के आधार पर, शंकर मठ के कहने के आधार पर बहुत सारी बातें हमें भिन्न नजर आती हैं। तो उसमें कि जो वाद जल्प और वितरणा, वाद जो है तत्व बुभुत्सु कथा, तत्व बुभुत्सु कथा इन तत्व जिज्ञासु कथा वाद है, उसके बारे में कहा गया है गुरु शिष्य विषयो वाद, गुरु और शिष्य के बीच में, गुरु शिष्य विषय ईश्वरी समास भेद से गुरु गुरु के बीच में जो वाद है, और सतीर्थियों के बीच में जो वाद है, गुरु और शिष्य के बीच में जो वाद है जिसमें जय पराजय की भावना नहीं है, वह वाद कहलाता है। हेल्दीएस्ट काइंड ऑफ डिबेट, साइंटिफिक डिबेट,
और जल्प और वितन्ना जो है उसके बारे में स्वयं गौतम मुनि एक अच्छी बात कहते हैं, पॉजिटिव साइड देखते हैं कि जो है तत्वाध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे कंटक शाखा वर्णवत्। जैसे कांटे की झाड़ी हम लगा देते हैं, साग का बीज बोते हैं और बीज बोते ही उसके ऊपर हम कांटे की झाड़ी रख देते हैं ताकि बकरी आदि उसको न खाएं जब अंकुर हो जाएंगे। ऐसे बाद के द्वारा हमारे श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा जो चीज स्थापित की गई, यहाँ तक हमारे शास्त्रों का निर्देश है कि सारा बुद्धिमत पूर्वक वो है। वो बुद्धि कहाँ है ना, वो न्याय शास्त्री कहते हैं जो ईश्वर की बुद्धि है वह वेदों में है, क्योंकि ईश्वर को वेद के कर्ता मानते हैं। लोग उसको नहीं मानते हैं तथा फिर भी उसके अंदर वो उस बुद्धि को मानते हैं जो बुद्धि नित्य है, शाश्वत है, और वाक्य भी नित्य है, शाश्वत है, क्योंकि अनुपुर भी नित्य है, शाश्वत है। इस प्रकार जो हमारे यहाँ पर कथन है उसमें जल्प और वितंडा जब स्वपक्ष में प्रयोग होता है उसकी भी आवश्यकता है। जल्प और वितंडा के द्वारा लोगों को मौन करना भी आवश्यकता है। गुरु की अनुपस्थिति में शिष्य अगर अपने संप्रदाय की रक्षा करना चाहता है, जल्प और वितंडा का प्रयोग करना उसके लिए अगत्य आवश्यक हो जाता है। परंतु जल्प और वितंडा को अगर जो है वो पकड़ में आता है तो जो है निग्रह स्थान होता है, पराजय प्राप्ति होती है। जितने तरह के निग्रह स्थान हैं बहुत अद्भुत तरह से उसको बताया गया है। अननुभाषण होता है, अप्रतिभा होती है, और जो हीनांग होता है, अधिकांग होता है, पंचावय भी न्याय वाक्य है, चतुरंग न्याय वाक्य भी है जहाँ पर केवलान्वयी आदि होते हैं, त्रयवय त्रयवय न्याय वाक्य भी है बौद्ध आदि में। त्रयवय न्याय वाक्य को ग्रीस में बाद में माना मान लिया गया। द्रवय न्याय वाक्य भी होते हैं, एक अवयव न्याय वाक्य भी होता है जो अवयव है स्वयं में अवयवी है। तो ये जो सारा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में पृथ्वी पर जितने लॉजिक्स, तो लॉजिक एक नहीं है, लॉजिक्स है। हमारे यहाँ छह दर्शन है तो छह लॉजिक्स है, और बौद्धों का लॉजिक है, बौद्धों की अलग अलग विचारों में अलग अलग लॉजिक है, जैनों के भी अलग अलग विचारों में अलग अलग लॉजिक है, चंदन मुनि का अलग लॉजिक है, तेरापंथियों का अलग लॉजिक है। तो ये सब बातों को हम अगर देखते हैं, चार्वाकों के लोकायतिक जितने भेद हैं लोकायतिकों के, उन सबके अलग अलग लॉजिक हैं। और उस लॉजिक के द्वारा डीपी चट्टोपाध्याय जब लिखते हैं मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो हमारे सब खोखला कर देते हैं, हमारे सब दर्शनों को खोखला कर देते हैं, सबसे आत्मा को हटा देते हैं, ईश्वर को हटा देते हैं, और कहीं कहीं वेद प्रमाण में भी संदेह कर बैठते हैं। इस प्रकार की बातें करते हैं। इनका खंडन करने के लिए आज जैसे एक अंग्रेजी सशक्त भाषा के रूप में पनपी है, अभी अभी कोई इसी व्यक्ति को मैं सुन रहा था, वो इंडियन साइंस पर बोल रहे थे, बोलते बोलते वो बोल गए, मेरे को अच्छा भी लगा बुरा भी लगा, बहुत बुरा लगा, अच्छा लगा इसलिए मैं भी वो अंग्रेजी का माध्यम रहा पढ़ने में। तो उन्होंने कहा कि जो संस्कृत थी आज वो अंग्रेजी बन गई है, तो जो संस्कृत थी आज वो अंग्रेजी बन गई है। और हमारे गुरुजी के गांव के, भट्टाचार्य जी के गांव के एक विमल कृष्ण मतीलाल थे, उनको साहित्य से उन्होंने न्याय में डाला था भट्टाचार्य जी ने, क्योंकि तो ऑक्सफोर्ड में स्पाल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रीजन से एथिक्स हुए, उनके जितने ग्रंथों न्याय शास्त्र मुख्यतः थे और भर्तृहरि पर अनन्य श्रद्धा थी, तो इन स्पोर्ट और स्पोर्ट का खंडन दोनों पक्षों को भली भांति जानते थे, पद्म विभूषण अवार्डी थे। वो क्या करते हैं, अंग्रेजी भाषा में भारतीय शास्त्रों की थाती को स्थापित करते हैं, सारे पाश्चात्य लॉजिशियंस का, फिलोसोफर्स का खंडन करते हैं। यह अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय वाद परंपरा को लेकर के वो वहां पर स्थापित करते हैं, और जो बातें उनके गुरुजी नहीं कर पाए थे, उनके गुरुजी तो विदेशी थे, डैनियल एच एच इंगाल्स, और मेरे गुरुजी के गुरुजी थे प्रोफेसर ई एरिक फ्रॉमर। इन लोगों के ग्रंथों को जब मैं पढ़ता हूँ वह समर्थन नहीं है, एरिक फ्रॉमर का तो बहुत ही कम समर्थन है, क्योंकि वो नेचुरलिस्ट थे स्वभावतः, अतः वो जो है हमारे शास्त्रों का खंडन करते थे, परंतु बहुत श्रद्धालु थे शास्त्रों के प्रति। डी एच एच इंगाल जो है कहीं पर खंडन करते थे, कहीं पर मंडन करते थे, कहीं के मौन रहते थे, परंतु विमल कृष्ण मतीलाल सशक्त हस्ताक्षर साबित हुए जिन्होंने हमारे शास्त्रों की मर्यादा रखने के लिए पाश्चात्य शास्त्रों की दृष्टियों का खंडन किया। अब इसी बात को हम अगर लें
अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे उदयनाचार्य तो नैयायिक और वैशेषिक दोनों थे और अत्यंत ईश्वरवादी थे। जैसे उन्होंने जो है लिखा, जो है अभी उसका नाम हुआ कि न्याय कुसुमांजलि में उनका जो आरंभ का जो उनका प्रतिज्ञा का वाक्य है और उनके अंत में जो समर्पण का वाक्य है, वो समर्पण से उनकी श्रद्धा द्योतित होती है और वो श्रद्धा जब घर कर जाए, श्रद्धा शब्द का कठोपनिषद के संदर्भ में एक अर्थ भी है, तर्क तर्कपूर्ण विचार को या आस्था को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा आविवेश अवन्यत पीतोदका जंघ तृणा दुग्ध दोहा दिरिन्द्रिया अनंदा नामते लोका गच्छति ता ददत्। यह जो बात नचिकेता के मन में श्रद्धा आ रही है, यह श्रद्धा, सत माने सत्य है, सत्य को धारण करने वाली, सत्य को अप्लाई करने वाली, सत्य के पीछे जाने वाली जो वृत्ति है वो श्रद्धा है। और तथैषा कथिता श्रद्धा यया वस्तु उपलभ्यते, विवेक ब्राह्मणी में वो तो और कोई शंकर है परंतु शंकर है वो श्रृंगेरी पीठ के एक शंकराचार्य जिनके विवेक चूड़ामणि है वो लिखते, तथैषा कथिता श्रद्धा यया वस्तु उपलभ्यते। तो ये श्रद्धा, इस श्रद्धा को देखें तो कहते हैं अंत में कि अस्माकं तु निसर्ग सुंदर चिरा चेतो निमग्नम त्वयि त्यद्धा नंद निधौ तथापि तरलं मुनाद्यापि संतृप संतृप्यते तन्नाथ त्वरितं विधेहि करुणां येन त्वदेकाग्रतां याते चेतसि नाप्नुवाम सतसो याम्या पुनर्यातना। ये उनकी आखिरी स्थिति है। वो अंत में जाते आते कहे जाते हैं क्यों मैंने खंडन किया, क्यों मैंने ईश्वरवादियों के खंडन करने वालों का खंडन किया, और 8 कारण देते हैं। और शुरू में जो प्रतिज्ञा करते हैं कि सत्पक्ष प्रसर सताम परिमल प्रोद्बोध बद्धोत्सवो विमलानेन विमर्दना मृतरस प्रश्चंद माध्वी कवो ईशस्यास्य निवेदितः पदयुगे भृंगायमानं भ्रमत चेतो मे रमयत विघ्नमनघो न्याय प्रसूनांजलि। यह उनका प्रतिज्ञा है सत्पक्ष प्रसर आदि, उसमें सारे जो व्याख्याकार हैं उसके पूरा अर्थ करते हैं कि कौन पक्ष है, क्या विपक्ष है, कहाँ क्या है। और यह जो उदयनाचार्य, उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा कि आत्म तत्व विवेक, उस आत्म तत्व विवेक का एक अलिया से दूसरा नामांतर है, उसको कहते हैं बौद्धाधिकार, और बौद्धाधिकार को भी बौद्ध धिक्कार कहा जाता है। तो बौद्धाधिकार में वो आत्म तत्व जिनको खंडन किया था बौद्धों ने, उसकी स्थापना करते हैं क्योंकि ईश्वर विस्थापित हो आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि न्याय दर्शन में आत्मा 2 प्रकार की है, जीव एवं ईश्वर। योग दर्शन में भी लगभग वैसा है, परंतु ईश्वर का प्रांजल रूप योग दर्शन में प्राप्त नहीं है, केवल वह साधना में साधक है, एक हेल्पर है, और वह जो है उस प्रकार से नहीं सा न्याय शास्त्र के अंदर वो कर्ता के रूप में जो न्याय ईश्वर है, यानी जिसको एक प्रकार से भागवत की वाणी में कि वो ब्रह्म ही ईश्वर हो जाता है। बहुत स्थानों में ब्रह्म ईश्वर के अर्थ में आया है, ब्रह्म मुक्ति के अर्थ में आया है न्याय शास्त्र में। तो उदयनाचार्य जी पुरी को गए, इस बात में भी पुरी से नजदीक हूँ, 17 किलोमीटर दूर पर हूँ मैं भुवनेश्वर में, तो भी मैं कह सकता हूँ कि पुरी की जो मान्यता है वहाँ पर जब वो कहा कि ऐश्वर्य मदमतोषी माम अवज्ञा ये वर्तसे उपस्थिति सुबुद्धि, दरवाजा खुल गया और वहीं उनकी आत्मा परमात्मा हो गई। उदयनाचार्य वापिस नहीं गए मिथिला में, उदयनाचार्य का शरीर विसर्जन हो गया भगवान जगन्नाथ जी के साथ, और जो है ऐसा दिव्य व्यक्तित्व, और वो जो श्रद्धा है उसे श्रद्धा का जो भेद हुआ, तो जो है सभी बातों को यहीं से स्वीकार करके बौद्धों ने जैनों ने और जो जो बातें जैसे अभी आचार्य आंगिरस जी बता रहे थे कि चार्वाकों तक जो वेदांत सारकार उद्धरण देते हैं कि ये जो ये सवाई स पुरुष नर समय, तो ये जो सारा बिल्कुल बातें हैं इस प्रकार से हम इसको प्राप्त करते हैं। ठंडा सा हम मन गए और सप्तदीपा बसुमती से हमारा जब कब्जा हट गया, कृणवंतो विश्वमारियम जब हट गया, तब 6 द्वीपों में जो बात हो गई उससे देशांतर में जाना मना कर दिया गया। आज भी हमारे शंकराचार्य और बहुत सारे सात्विक लोग देशांतरों में नहीं जाते हैं, और हैं वहाँ पर कुछ वृत्तियाँ ऐसी हैं, कुछ दृष्टियाँ ऐसी हैं। भारत के अंदर गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, उसमें जो चरित्र है, जो मर्यादा है, जो बोध है, वो कई बार विदेशी लोगों में वह प्राप्त नहीं होता। फिर भी विदेश के अंदर कुछ ऋषि प्रतिम लोग भी हमने देखे,
बहुत ही श्रद्धावान है, भारत के प्रति आस्थावान है हमारे शास्त्र परंपरा के प्रति, और मैं अधिक नहीं कहूँगा। ये बहुत सुंदर जो जो चीज़ है, और तो एक तो कहते हैं जो, क्योंकि राधरपरी और वहाँ पर जो रघुनाथ शिरोमणि है, वो तो कहते हैं विदुषाम इव हाँ हि कमत्या यद दुष्टम विरटंकी यच्च दुष्टम वही जलपति कल्पनाधिनाथ हे रघुनाथ हे मनुताम तदन्यथैव। मैं सबको तो तर्क का ही साहित्य तो चैतन्य महाप्रभु भाग गए न्याय शास्त्र से, नव्य न्याय से, और आस्थावान हो गए। कहा विश्वास है मिले जे हरि तर्के बहु दूर, तर्क से नहीं मिल सकता है, परंतु तो तर्क प्रस्थान की बात जहांगीर जी ने बताया, तर्क प्रस्थान की परम आवश्यकता है, केवल श्रुति और अनुभव से नहीं होगा, श्रुति से अनुभव के बीच में जो कड़ी है राम सेतु है, तर्क है, तर्क में अनुमान प्रमाण की प्रतिष्ठा है। और वहाँ पर यह जो बात उन्होंने कहा, इसी बात का सिलसिला कहाँ होता है, तर्क कहाँ है, हमारे यहाँ विरुद्ध हेत्वाभास है, विरुद्ध, हाँ हम वेदों का विरोध कर बैठे वहाँ हमारा तर्क हमें अलाउ नहीं करेगा, वो तर्क दूषित तर्क है। अतः वहाँ उसके लिए जो भर्तृहरि कहते हैं वो सामान्य नियम है, यत्ने अनुमितोप्यर्थ कुशलैर अनुमातृभिः अभियुक्त तरैरन्यैः रन्यथैवोपपाद्यते, यानी ओपन एंडेड है तर्क जो है, आप खंडन करो मंडन करो, ये दो धार चाकू होता है, नाक कटेगा या किसी का गला कटेगा। तो तर्क का इस प्रकार से कृत धातु से भी इसका निष्पत्ति मानी गई है, यानी कर्तन करने वाला तर्क होता है, परंतु ऐसे तर्क को आवश्यक है। जयंत भट्ट कहते हैं, जयंत भट्ट दो बातें कहते हैं बहुत अच्छी बात, षष्ठ आह्निक में वेद वाक्य के अर्थ की निष्पत्ति में कहते हैं कि स्वयं रागादिमानार्थम वित्ति चे तस्य नान्यतः न वेद यदि वेदोपि वेदार्थ से कुतो गति। स्वयं हर कोई व्यक्ति रागादि से युक्त है, संसारी व्यक्ति, और रागादिमान व्यक्ति अगर वेदार्थ को नहीं जानता, इन शास्त्रार्थ को नहीं जानता, मूल शास्त्र तो वेद ही है, यूएनओ मानता है आज तो कि मूल शास्त्र वेद है, हम तो ये क्यों नहीं मानेंगे, हमारी जी मान्यता को धीरे धीरे विश्व हजम कर रही है और मान रही है। तो ये जी जो बात जी उन्होंने कहा कि स्वयं रागादिमानार्थम वेत्ति चेत तस्य नान्यतः न वेद इति वेदो भी, वेद तो स्वयं आके नहीं बताएगा हमारे चौखाट पर कि देखो ये मेरा अर्थ है, तो वेद अर्थ से कुतो गति, फिर रागादिमान पुरुष शरणारी अगर अर्थ नहीं करेंगे तो वेदों का अर्थ कैसे होगा, शास्त्रों का अर्थ कैसे होगा, अतः तर्क की प्रवृत्ति आवश्यक है। तो जी ये सब बातें जो है बहुत आवश्यक है, इसको बड़े व्यापक ढंग से इसको समझना, और जो अभी जो ये डॉक्टर आशुतोष जी बता रहे थे कि ऐसा एक कार्यशाला होनी चाहिए कि जैसे विद्यार्थी होते हैं उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम जी अथवा जी आदो जी भूतस्य लिंगम तात्पर्य निर्णय, कैसे एक उस ढंग से एक बात को प्रस्तुत करना है, वो बहुत सारी बातें इसको होना चाहिए। हम लोग भी छूट रहे हैं उन चीज़ों से, उन परंपराओं से हम बिखर जाते हैं, परंतु अभी दोनों आचार्यों के मुख से जिन बातों को हमने सुना उससे काफ़ी बुद्धि आप्यायित हुई और काफ़ी बातों में बिंदुओं में मन गया। और जयंत भट्ट वहाँ अंतिम वाक्य कह के मैं विराम लूंगा, जयंत भट्ट कहते हैं उसी बात को कि भट्टहरि के वाक्य को कोट करते हैं उसी ढंग से उसी शैली में उत्तर देते हैं, ये जयंत भट्ट की विशेषता है, एक ही तो ग्रंथ है उनका ये जो न्यायमंजरी। तो उसमें कहते हैं कि जो है कि यत्नेनानुमितो योर्था, ये जयंत भट्ट का जी है, यत्नेनानुमितो योर्था कुशलैर अनुमातृभिः अभियुक्त तरैरन्यैः शून्यता अनुपपद्यते। तो यानी ये जो वैदिक तर्क है यह शाश्वत है, इस बारे में सीक्रेट ऑफ द वेदास में भी श्री अरविंद कुछ कहते हैं, ये शाश्वत तर्क हमारा है, इस दूसरे तर्कों को पाल के जो जो लोग किए क्या करते हैं साइंस से, क्या इन चीजों से, मार बात ये कोरोना वायरस पैदा कर दिए, लोगों को मार रहे हैं। अतः भारत का जो तर्क है वो शाश्वत है, सनातन है, जो टैनबी ने कहा और लोगों ने कहा, इसलिए इस चीज को खुद मानना, खुद इसमें सम करना और लोगों को बुला करके मनवाना ये अत्यंत आवश्यक है। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वो धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर आपने बात का आरंभ बहुत सुंदर किया था कि डायलॉग और डायलेक्टिक्स ये इस वक्त की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इसमें बहुत गैप है जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। और
और जो आपने समास के रूप में जो इसका अर्थ किया, शास्त्रार्थ का, वो भी बड़ा सुंदर था, उस पर ध्यान नहीं गया था पहले, लेकिन बहुत रुचिकर आपने हमें बातें बताई हैं, ज्ञानवर्धन हुआ है। और निश्चित रूप से मेरी तो बहुत ज्यादा इच्छा है कि कोई कार्यशाला जो है वो न्याय शास्त्र पे लगाई जाए। न्याय शास्त्र पढ़ाने के लिए नहीं, न्याय शास्त्र का प्रयोग कैसे करना है इस पे कार्यशाला। पढ़ाएंगे तो सही, शास्त्र को हम पढ़ा तो रहे हैं एमएमए और बाकी चीजों पे, लेकिन तर्क का प्रयोग कैसे करना है, या उसमें ये जल्प वितंडा और वाद और बाकी सब प्रमाणों का उपयोग कैसे करना है, तो इन चीजों के ऊपर एक कार्यशाला व्यवहारिक जो है ना वो किया जाना बहुत जरूरी है। और ये मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम सभी संस्कृतज्ञों के पास ये मौका है कि संस्कृत का जो शास्त्र है उसके साथ साथ उसके व्यवहार पक्ष को हम सिखाएं, इंट्रोड्यूस करें। 50 नंबर का न्याय शास्त्र लगाएं तो 50 नंबर का उसका प्रैक्टिस करना जो है, प्रैक्टिकल करना है, वो जरूर उसको सिखाएं। किसी भी विषय में हो, कहीं पे भी हो, जीवन में उपयोग तो करे कहीं, वो उपयोग में नहीं आ रहा। इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक बार आप हम सभी लोग बैठ के चर्चा करें और कि किस तरह से हम इन पे कार्यशालाएं लगा सकते हैं। शास्त्र तो पढ़ रहे हैं, एमए करके आ ही रहे हैं सभी लोग, लेकिन और अभी इस तरह से की बात ना करते हुए जो हमारे प्रतिभागी हैं, श्रोता हैं, उनमें से किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कोई बात कहना चाहता है, तो संक्षेप में प्लीज आप अपनी बात रखें, और फिर उसके बाद एक एक पंक्ति में जो है आज के जो दोनों मुख्य वक्ता हैं उनकी हम बात लेंगे। यदि किसी की कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, तो निसंकोच भाव से आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। डॉक्टर चंचल जी या डॉक्टर राधिका जी, कोई अपनी बात। सदानंद जी, यू विश टू शेयर समथिंग? यस सर। हाँ प्लीज प्लीज। इन द लास्ट वेबिनार वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द ज्ञाना Renaissance or knowledge, and now today we discussed, I felt, the very basics of epistemology, the method of knowing, and samvada, that is very important, referring to two things. One is the works by Gangesha Upadhyaya, who was one of the members of the court of Dasharatha Maharaj. In the last millennium, for centuries, Nyaya Naya philosophy established by this sage has become something of very great importance. And in his point of view, the method what he adopts, number one, starting with the Purva Pakshin, reference to what was happening in the field before, and then its objection from his side, then the comment by him, then after that what he advocates, what the Shishyas are telling, what others are telling, its comments, then after hearing it, how he modifies that his advocates, what he advocates, then again his comments, and in Nyaya Nyaya established by him, he is very sure that his students should know not only his point of view but also the point of view of other similar nanis. It is a very interesting thing with regard to the method, and it has also reference to what I said. It has also reference to the story of the Tittari birds, Tittari Pakshigal, the Taittiriya Upanishad origin. The guru, like the guru, the Shishya also has the right to differ and argue. These are the two things which I would like to tell. Plus, it is interesting to know that we should know the knower, not only the knowledge, the value of values, the cognition of cognition, and finally the drigdrishya viveka,
Dridrishya Viveka, as I understand it, what Drishya you are seeing outside and what you are, both are same, that attitude, the Advaita approach. And the Dvaita approach also, both are same but can be different. Now, there is a philosophical error which I would like to point out. We are learning, we are continuing our pursuit, and this knowledge rests only in certain class of people, because the original knowledge written in Sanskrit, it is known to only very few people even now. What is happening outside? I will just quote J. Krishnamurti, the thinker from Madras. J. Krishnamurti was always pointing out in one of the books, "You Are the World." That is the name, title of the book. What he says is, what is happening outside his ashram, his premises, is total chaos. And what is happening inside is the systematic study. Today we discussed how systematically we are approaching. It is a, in English term, we can say a constructivist epistemology, a constructivist method of study, which we heard from the August speakers today, professors, acharyas. And what, how we can correct the philosophical error? What is happening outside in the, our universities, colleges? It has to be corrected as early as possible. This type of systematic approach is not applied in its full swing in the vidyalayas. Formerly, it was pure Guru-Shishya, Guru-Chela relationship. Now we have the universities, and the Guru-Shishya qualities need not be given up in the universities. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Sadanand ji. किसी और की कोई टिप्पणी है तो फिर हम अंतिम बस वाक्य लेते हैं, अंतिम टिप्पणियां दोनों. हाँ, सुरेंद्र जी. The name of Gangesa, it's not Gangesa, it's Gautama. It's Gautama who could be a court scholar with Dasaratha, not Gangesa. Gangesa in 14th century only. Dr. Sadanand Unnikrishnan is a doctor. Just one second, sir. Yes. You can, the name is Unni, U-N-N-I. Krishnan is not. Achha, Unni. It's up. Thank you. Thank you for the correction. So, main chahunga ki ek bahut sankshipt si दो पंक्तियां चार पंक्तियों में टिप्पणी प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा जी की, और फिर उसके बाद डॉक्टर रमाकांत जी की, और उसके बाद फिर हम इस आज की इस चर्चा को यहीं पे पूर्ण विश्राम देंगे. डॉक्टर साहब, आज की इस संगोष्ठी में बहुत से विषय हमारे सामने आए, क्योंकि एक तरह से ये आस्तो दिन एक नया काम शुरू किया है शास्त्रार्थ के स्वरूप को समझने के लिए, और इसे हमें अब धीरे धीरे इसको सुधारना पड़ेगा, और हमें जानना पड़ेगा कि जो शास्त्रार्थ में किस तरह से मतलब हम निरुत्तर करते हैं इसको, और सही तरीका क्या है वो सामने आए. इसी के साथ में आप सबको धन्यवाद, और कुछ नहीं करना. धन्यवाद सर. डॉक्टर रमाकांत जी, आपकी राय, टिप्पणी और वक्तव्य था, सब कह दिया गया है उसमें. मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो एक ट्रिक है, ये शास्त्र, गुरु और शिष्य, इन तीनों का जो एक संघट है उसको सफल बनाने के लिए ये शास्त्रार्थ पद्धति, पुरानी जो शास्त्रार्थ पद्धति है उसको, ये अगर आप लोग जैसे ये प्रयोग अपना करना चाहते हैं वर्कशॉप जो हैं उनके माध्यम से,
ये तीनों को ही परिभाषित करने की फिर से जरूरत है। शिष्य भी कौन है, शिष्य को परिभाषित करना बहुत जरूरी है, और फिर उसके साथ आपको शास्त्र को भी परिभाषित करना जरूरी है। सभी शास्त्र नहीं होते हैं, शास्त्र क्या है, और फिर गुरु भी सभी गुरु नहीं होते हैं, गुरु को भी परिभाषित करने की जरूरत है, क्योंकि शास्त्र को दोनों की अपेक्षा रहती है, गुरु और शिष्य दोनों। उसको ईमानदारी से सीखने वाला शिष्य चाहिए और उसे ईमानदारी से पढ़ाने वाला टीचर भी चाहिए, तभी शास्त्र अपने वो वाग्धेनु जो है वो उस अमृत को दोहती है, यह हम धर्म अर्थ काम मोक्ष कहते हैं। तो इसलिए विद्या को सफल बनाने के लिए इस त्रिकोण का अध्ययन जो है वो प्रयोगशालाओं में अगर हों कि ठीक से हम शिष्य को भी परिभाषित करें, गुरु को भी ठीक से समझें और फिर शास्त्र को भी ठीक से समझें, क्योंकि शास्त्र के नाम पर ऐसा उपरांग सभी चीज़ें शास्त्र में बना ली जाएं, क्योंकि इस समय शास्त्र का ही नहीं पता लोगों को कि किसको शास्त्र माने और किसको शास्त्र ना माने। जी धन्यवाद मिश्र जी, कुछ और आप एक पंक्ति दो पंक्ति में कुछ बात है, क्योंकि जिन सभी परंपराओं का जो है प्रोफेसर शर्मा जी ने इंगित किया, खासकर जो परंपरा करपात्री स्वामी जी की, उस परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है आधुनिक समय में। वो परंपरावादी थे, आधुनिक भाषाओं को भी जानते थे, उस परंपरा को बहुत आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भागवती परंपरा जो सात्विक भागवती कथा वो किया करते थे, आज भागवत कथा उस बात से अलग हो चुकी है, उसको फिर से उस टाइम में, और जो है कि एक ऐसी कार्यशाला भी की जाए। और ये जो एक त्रिक हो गया, आपको भी डॉक्टर आशुतोष जी को त्रिक शब्द बहुत पसंद है, हम सभी लोगों को पसंद है, और यह जो त्रिक है मैं सोच रहा था मैं समभुज के तीन त्रिकोण बना दूं, उनमें एक के ऊपर को गुरु को रखूं और बाएं पे शिष्य और दाएं पे शास्त्र, दूसरे क्या करूं कि मैं जो है शास्त्र को ऊपर रखूं और बाएं पे गुरु और दाएं पे शिष्य, और एक शिष्य को ऊपर रख लो, जैसे नचिकेता है और ऐसे कोई बता भी होता है जो बड़ों को बुला के बेटे करके संबोधन करता है, फिर वो ब्रह्मा जी के पास आदि कथा है। तो ऐसे शिष्य, फिर गुरु और जो है शास्त्र, और शास्त्र जो कि परंपरा को मांगती है। मैं एक बार उनके साथ में बैठा था मद्रास में, कौन जो भी चले गए, क्या नाम था उनका, जो ICPR के चेयरमैन थे, बी जो अरबी जो अरबी क्या नाम है उनका, सुब्रमण्यम नहीं, अरबी आर बाल सुब्रमण्यम। Yes. तो आर बाल सुब्रमण्यम जो है उनके लोग पहुंचे उनका एक फेलिसिटेशन बनाने के लिए, उनको कहा कि आपका हम फेलिसिटेशन बनाएंगे, आप जो है आपको ये नाम सुझाइए, हम नाम वो नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा था परंपरा, क्योंकि जो परंपरा है उस परंपरा के अंदर नवीनता भी आती है, तो पर और पर जो है ये पर जो है बराबर डिटो नहीं है, और ये जो सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, और जैसे सदानंद जी बता रहे थे कि उसमें डिफर करने के लिए वो होना चाहिए, और जो तैतरीयवादी की बात जो उन्होंने संकेतित किया, तो इसीलिए ऐसा शिष्य हो जो उनका नाम लिया गया उन्हीं के द्वारा, किनका ना जदु कृष्णमूर्ति का, जदु कृष्णमूर्ति के शिष्य थे उलूपी कृष्णमूर्ति, उलूपी कृष्णमूर्ति अमेरिका में गुजरे, उलूपी कृष्णमूर्ति ने कहा कि मेरे जो गुरु हैं उनके सब बातों का मैंने खंडन कर दिया, क्यों ना वो जद्दू हैं, जद्दू मैंने एक प्रकार से जिद्दी जैसे है, वो डॉक्टर उन्नी कृष्ण जी बताएंगे एग्जैक्टली अर्थ, जद्दू और मैं उलूपी मैंने नमक हूँ, वो जो जिद्दी मैल है या जिद्दी दाग है उसको साफ करने के लिए मैं उलूपी नमक का काम कर रहा हूँ, मैंने इसलिए जो बात मैंने कही मेरे गुरु की बात नहीं है, मैं गुरु से हट करके बोल रहा हूँ, परंतु गुरु आधार है और उस आधार से हट के जो है शिष्य अपनी बात को रख रहा है, उससे एक जेदु कृष्णमूर्ति बनता है, एक उलूपी कृष्णमूर्ति बनता है,
इस प्रकार से एक कुमारी और प्रभाकर अलग हो जाते हैं, अलग होने के बाद और डिफर करने के बाद इसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो मूल निष्ठा है उसको हमें कभी नहीं खोनी चाहिए। तो यही मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर लवलीन ग्रोवर जी को कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें, और उसके साथ ही इस सभा को आज हम पूर्ण करेंगे। इस स्वस्थ चर्चा सत्र में शामिल हुए सभी विद्वान जनों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर रमाकांत अंगिरस जी, डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी और सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज की स्वस्थ चर्चा के विषय संस्कृत शास्त्रार्थ परंपरा के अंतर्गत बृहद आरण्यक उपनिषद, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, याज्ञवल्क्य जनक संवाद, छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु प्रवहन जावाल आदि संवाद, स्वामी दयानंद रामकृष्ण परमहंस आदि अनेक प्रसंगों के अंतर्गत शास्त्रार्थ विषय पर प्रकाश डालकर हम सबका ज्ञान वर्धन किया, जो बहुत सीमित ज्ञान था हम और इस अनंतता तक हम सुन पाए इसे और स्वयं को जानना बहुत आवश्यक है। मेरा ऐसा अनुभव है कि डॉक्टर आशुतोष जी के द्वारा विषय का चुनना किसी शोध कार्य से कम नहीं है, और अगर डॉक्टर आशुतोष जी के द्वारा अभी तक भी जितने सेमिनार वेबिनार कराए गए हैं और अगर उनके विषयों का चयन किया जाए और एक लिस्ट या सूची तैयार करें, तो मुझे लगता है कि शोध कार्य के रूप में आने वाले शोधार्थी इसका लाभ उठा पाएंगे और हम कह पाएंगे कि वास्तव में शोध कार्य हो रहा है। अंत में सभी वक्तागणों श्रोतागणों का धन्यवाद करती हूँ। नमो नमः। धन्यवाद मैडम लवलीन, आप सभी का बहुत बहुत आभार, और इस चर्चा को आज यही हम विश्राम देंगे और निकट भविष्य में कोई कार्यशाला और कुछ अन्य चर्चाओं को हम देखेंगे। आप सबने हमारे पर उपकार किया है, उपस्थित होकर के अपने ज्ञान से जो हमें लाभ दिया है उसके लिए पुनः धन्यवाद, और निश्चित रूप से जल्दी ही हम पुनः मिलेंगे। थैंक यू। यदि किसी ने कोई फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज आप फॉर्म भर दीजिएगा, और आप चाहें तो इस सभा को छोड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सदानंद जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र जी सर, थैंक यू सो मच। छोड़ सकते हैं आप लोग मीटिंग अपनी।